रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल मेंस 2018। हाँ जी, जैसा कि आप सबको पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्लोज टेस्ट, दूसरा होता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और तीसरा होता है आपका अनसीन पैसेज। प्री प्लस मेंस दोनों के ही हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन एक नाउन है जो बना है कॉम्प्रिहेंड वर्ब से, जिसका कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ। तो इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कितनी आपकी समझ है, यही चीज़ एग्जामिनेशन जो है टेस्ट करना चाहती है। तो क्लोज टेस्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट को आप PQRS या फिर पैरा जंबल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है प्री के हिसाब से भी, जब भी आपका प्री 2019 होना है उसके हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सेगमेंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने विजिबल होगा, आंसर्स मार्क्ड नहीं है, आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या आंसर होना चाहिए और कैसे अप्रोच करना है। क्लियर हुआ? हाँ जी, सब लोग एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन आप कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना, ताकि मैं देख पाऊँ किसने पूरी वीडियो को सिंसियरली अटेम्प्ट किया है। और ये चीज़ देखो, दो क्वेश्चंस का मतलब है चार नंबर, और आपको पता है प्री के हिसाब से चार क्या एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग अपने लेवल पे ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्रोच करना है और क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। देखो, शुरुआत में टाइम लगे, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना, तब आप खुद देखोगे ये चीज़ कि आपको उतना टाइम नहीं लग रहा है जितना फर्स्ट क्वेश्चन पे लगा था। तो अगर यूँ लग रहा है कि एक बार में नहीं भी हो रहा सॉल्व, दिक्कत की ही बात नहीं है, पूरा सेशन अटेंड करो, आपको पता लगेगा कैसे अप्रोच करना है और आप क्विकली इन क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। हाँ जी, चलो देखो, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, सारे सेंटेंसेस को पहले रीड करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये इसके साथ जुड़ना चाहिए, ये इसके साथ, ऐसी चीज़ें करने का मतलब ये सब करने की कोई नीड नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप ऑप्शंस पे जाओ। अब ऑप्शंस में आपको पता है पैसेज की शुरुआत या तो आपकी हो सकती है ए से, या फिर बी से, या फिर सी से, या फिर डी से। हाँ जी, अब सबसे पहले ऑप्शंस को कट करना शुरू कर दो। देखो, बट से कभी भी किसी भी सेंटेंस की जो है शुरुआत नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? तो ये ऑप्शन कट। चलो, बी को देखा, अंटिल अबाउट टू डेकेड्स अगो बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वॉज ओनली फॉर डायबिटिक्स, बिल्कुल सही है। देखते हैं दस से भी कभी किसी पैसेज की शुरुआत नहीं हो सकती है, पहले कोई तो स्टेटमेंट होगी जिसको हम कंक्लूड करेंगे, तो इस ऑप्शन को भी आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके सामने दो ऑप्शंस बचे हैं। डी को हमने रीड किया, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड डॉक्टर्स एडवाइज दैट वी ऑल नीड टू फाइंड आउट वेदर ऑल शुगर्स आर हार्मफुल। कौन सा ट्रेंड, हमें नहीं पता है अभी। ठीक है, तो डी से भी जो है शुरुआत तो नहीं हो सकती, तो आपके सामने आंसर है। समझ में आया? दो सेंटेंसेस को तो हमने रीड भी नहीं किया और आपके सामने आंसर है। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप इसको ट्रीट करते हो। चलिए, समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब जैसे मैंने आपको बताया, पहले ऑप्शंस पे, उसके बाद आप सेंटेंसेस पे जाइएगा, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। हाँ जी,
तो क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है, क्या होना चाहिए? पहले क्वेश्चंस, पहले ऑप्शंस को अप्रोच करो, कट करो ऑप्शंस और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड आउट कीजिए। हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? देखो ऑप्शंस को अप्रोच करो, या तो शुरुआत हो सकती है ए से, या फिर शुरुआत हो सकती है बी से, या फिर सी से। अब देखो ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है, अगर दो ऑप्शंस आपके सेम सेंटेंस से शुरू हो रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो पैसेज की शुरुआत भी सी से ही होगी। मैंने कहा है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, इसका मैंने 100% नहीं बोला, तो 80 to 90% पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब अबव 70%, बट 100 नहीं। हो सकता है कभी कभी ऐसा नहीं भी हो, बट इसके लिए करो क्या, पहले आप सी को ही पढ़ लो। अगर वहां पे आपका कोई नाम है, कोई इंट्रोडक्शन है, तो आप ये चीज मान के चल लो। पहले हमने सी को रीड किया, 8 यंग डायरेक्टर्स ओवर 50 एक्टर्स एंड वन लैंडमार्क प्ले, हयावंदना, हयावदाना, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है प्ले का नाम हो गया, ये इंट्रोडक्शन है कि नहीं है आपको भी पता है, सी से शुरू होगा। चलिए ए को रीड करते हैं फिर भी। इन दोज अलॉटेड मिनट्स, कौन से अलॉटेड मिनट्स हमें नहीं पता है, तो ए से शुरुआत नहीं होगी, कट करो। बी को देखा, द प्ले हैज बीन डिवाइडेड, अब कौन सा प्ले, ये वाला प्ले, तो बी अगर आएगा तो सी के बाद ही तो आएगा ना, पहले तो नहीं आ सकता, तो बी को भी आपने कट किया। हाँ जी, तो शुरुआत सी से होगी। अब सी आपका, सी को आपने रीड किया हुआ है, सी आपका रिलेट किससे कर सकता है, या तो डी से रिलेट करेगा या फिर ए से। ए को हमने पढ़ा, ए में तो मिनट्स की बात हो रही है। डी को देखा, दिस यूनिक कोलैबोरेशन इज अ ट्रिब्यूट टू द प्लेराइट गिरीश कर्नाड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा प्ले, ये वाला, सी आपका सीधा सीधा रिलेट कर रहा है डी से, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो क्वेश्चन और मुझे बताओ, मतलब अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स करो कि क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं आपको आंसर सॉल्व करना बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर काउंट करना, एंड सेशन के एंड में अपना आप स्कोर ज़रूर बताना। कि देखो अगर मैं आपको बता देती हूँ, प्री में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इक्वल टू 4 मार्क्स। हाँ जी, मेंस में हर सेट में 20 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इक्वल टू 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हर सेट से, यानी 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में से आप कितना आपका स्कोर रहेगा, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल क्वेश्चन नंबर थ्री पे फोकस कीजिए और अपना जो है आंसर सोचिए कि क्या होना चाहिए। हाँ जी, चलो अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो
ध्यान से समझना, ऑप्शंस चेक करो, सेम चीज, या तो शुरुआत ए से है या बी से है या सी से या डी से। चलो अब आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि किससे स्टार्टिंग, और आपके सामने आपका आंसर होगा। अगेन बट से कभी किसी पैसेज की शुरुआत नहीं हो सकती। बट आपका कंजंक्शन है जो कि कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है, यानी कि अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इससे पहले कोई तो स्टेटमेंट होगी जिसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ए को आप लोग कट कर दीजिए, ये ऑप्शन बाहर। समझ में आया? बी को देखा, द ओरिजिनल ट्रीज नो लॉन्गर देयर, कहाँ पे भाई, कोई तो जगह पहले बताई गई होगी ना, तो बी को भी आप लोग कट कर दीजिए। हाँ जी, हमने रीड किया सी को, दैट स्प्रिग ग्रू इनटू अ ट्री एंड इज कॉल्ड महाबोधि ट्री। कौन सी स्प्रिग, हमें नहीं पता। डी को रीड किया, गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट अंडर अ पीपल ट्री इन बोधगया इन बिहार। यहाँ पे देखो क्लियर कट इंट्रोडक्शन है, आपको पता है स्टार्टिंग किससे होगी, डी से होगी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब कितनी देर का क्वेश्चन था, देखो मैंने एक्सप्लेन किया है तो टाइम लगा है, बट अगर आप अपने वे में अटेम्प्ट करोगे एग्जामिनेशन में, तो ए के साथ बट को देखते ही एक कट, सी के साथ दैट स्प्रिग, भाई दैट आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये किसके लिए आता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आप अगर कहोगे इसको, तो आप मुझे ये बताइए ये किसके लिए आता है। कोई चीज तो होनी चाहिए ना जिसकी तरफ ये इशारा कर सके, जिसको ये पॉइंट आउट कर सके। तो सी भी कट। अब बी और डी में से आप खुद समझ सकते हो कि कौन सा सेंटेंस जो है इंट्रोडक्शन है, खत्म बात। डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, बताइए जी क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? चलो आप देखो, बस आप इंट्रोडक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर लीजिए, या फिर जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए, देखो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन का मतलब है कोई नाम दिया गया हो, नाम बोले तो कोई नाउन दी गई हो, पहले अगर नाउन है उसके बाद प्रोनाउन है, तो आपको भी पता है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है। अभी ग्रामर का बेसिक रूल है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये कंप्लीट नहीं होते, फिर ग्रामर की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे देखो अक्टूबर 7 है और यहाँ पे अक्टूबर 3 है, तो आप ये तो समझ सकते हो कि पहले कौन सा आएगा, पहले अक्टूबर 3 आएगा, उसके बाद ही तो अक्टूबर 7 आएगा। हाँ जी, पहले अक्टूबर 3 आएगा, उसके बाद अक्टूबर 7। तो मैं ये नहीं कह रही कि तुरंत बाद, जस्ट आप ये देखो अगर सी पहले आए तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी या तो इसकी है या तो इसकी, दो ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ जी, पॉसिबिलिटी या तो इसकी। अब आपको ये देखना है कि इंट्रोडक्शन कौन से में है, जैसे आप ये चेक करोगे आपके सामने आंसर है। तो डी को देखा हमने, ही हैड गॉन मिसिंग ऑन अक्टूबर 3, 1849 एंड वॉज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है। बी को देखा, एडगर एलन पो वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर। हाँ जी, इंट्रोडक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल बी से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चाहे आप वैसे स्टार्ट कर लीजिए कि बी से शुरुआत है, सी से और डी से, तब भी आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन इसमें है, तो ये दो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। समझ में आया? तो आप जैसे भी, जिस भी तरीके से अप्रोच करो, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। जरूर, हमने ए को रीड किया, नहीं किया, हमने सी को रीड किया, नहीं किया। हाँ जी, समझ में आया? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बेशक टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि इतना ही टाइम जाके आपको पेपर में भी लगाना है, बिल्कुल नहीं। 10 to 15 seconds आपकी रीडिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपको रीड करने में कितना टाइम लगता है, कॉम्प्रीहेंड करने में कितना टाइम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर मार्क करके रख लीजिए, फिर देखते हैं वो सही है कि नहीं। हाँ जी, क्या
क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो पॉसिबिलिटी देखते हैं, या तो ए से है या सी से है या डी से है। आपकी आपको भी पता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सी से होनी चाहिए, फिर भी ए को देखा। अच्छा डिस्पाइट दिस, अच्छा यहाँ से मैं आपको एक ग्रामर का कंसेप्ट बता देती हूँ। ये एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ का यूज नहीं करोगे। डिस्पाइट का मतलब ही होता है इंस्पाइट ऑफ, तो इंस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज करते हो, और इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, तो इसके साथ दोबारा ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के बावजूद। हाँ जी, इसका मतलब होगा आपका के बावजूद। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि डिस्पाइट से शुरुआत तो नहीं हो सकती है ना, आप इसको कट कीजिए। पहले कोई स्टेटमेंट होगी उस चीज के बावजूद भी ऐसा, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ए से शुरुआत तो होगी, निकट कर दो। सी को, बी को देखा, नो वंडर हिज फिल्म्स, बी से तो वैसे भी शुरुआत नहीं हो रही है। डी इसी को देखा, ए सत्यजीत रे फिल्म वॉज सॉली हिज फिल्म, पॉसिबिलिटी है, नेम है। डी देखो, इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, ही कौन? तो सी से शुरुआत होगी। अब सी आपका या तो रिलेट करेगा डी से या फिर रिलेट करेगा ए से। हाँ जी, यही पॉसिबिलिटी है, सी आपका या तो ए से या फिर डी से। तो देखो, डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। एक तो पहले बात की भाई पूरी फिल्म उसकी होती है, इसके बावजूद भी डेलीगेटिंग वर्क में वो बहुत ही अच्छा है। तो सी आपका अगर ए से रिलेट कर रहा है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप ये देखो, ए और डी को रीड करना, डेलीगेटिंग वर्क इवन आफ्टर डेलीगेशन। तो पहले डेलीगेटिंग वर्क होगा, उसके बाद ही तो उसमें, उसके बाद की बात होगी ना, तो ए के बाद आना चाहिए डी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। अप्रोच कैसे करना है मैं आपको सिखा चुकी हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप अप्रोच करोगे? देखो सेम मेथड है, पहले आप ऑप्शंस को देखिए, ए बी और सी, यही पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम है सी की। तो सी को ही पहले रीड किया। अ क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी। ओके ठीक है, अब हमने ए को देखा, देयर फोर। अच्छा देयर फोर से कोई, देयर फोर आपका एक तरीके से कॉन्क्लूजन के लिए आता है, तो ए से शुरुआत तो नहीं होगी, इस ऑप्शन को कट कर दीजिए। बी को रीड किया, अ कार्डियक अरेस्ट अब एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों से ही पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको पेयर बना के देखना है कि कैसा पेयर किससे बनेगा, चलिए देखते हैं। हाँ जी देखो, यहां पे देखो, विद इन 4 मिनट्स उसको रिवाइवल चाहिए, विद इन 4 मिनट्स। यहां पे अब देखना, ए देयर फॉर एन एडवांस्ड एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली, समझ में आया? बी आपका रिलेट किससे कर रहा है? ए से। तो यहां पे देख लो, दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कोई भी आप एक पेयर बना लो और उससे आपका आंसर सामने आ जाएगा। इतने क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में आपको पेयरिंग करने की नीड थी, अदरवाइज पेयरिंग करने की नीड भी नहीं थी। और ये आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्री का लेवल इनसे कुछ ना कुछ कम ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं। बताना क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखो 7th क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑप्शंस चेक करो। या तो शुरुआत है बी से, या फिर सी से, या फिर डी से। हाँ जी, यही पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम है सी की। आपको भी ये चीज़ अब तक समझ आई होगी। चलो फिर भी देखते हैं, रीड करेंगे। लुईस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन। हाँ जी, नेम आ गया, आप सभी में देख सकते हैं हिज ही ही। अब नेम है उसके बाद ही तो मतलब प्रोनाउन आएगा ना, तो सी से शुरुआत है, फिक्स्ड है ये चीज़। दो ऑप्शंस कट, सी आपका रिलेट भी बी से करेगा, ये भी चीज़ फिक्स्ड है क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में। हाँ जी, तो सी आपका बी से रिलेट कर दिया कि एज ए चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल। अब आपको बस ए और डी का ये देखना है कि क्रोनोलॉजी देखनी होगी। तो देखो, वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। ऑब्वियसली बात है, पहले पिस्टल और फायर करेगा तभी तो जेल जाने की बात होगी। तो डी आपका रिलेट करेगा ए से, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज को एक्यूरेटली आंसर कर दोगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8th पे। आपके सामने क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8th आपके सामने है। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको इस क्लास का रिवीजन करना हो तो 2x की स्पीड पे कर लेना, या अकॉर्डिंगली जैसे जितना आप समझ सको। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाँ जी, चलो देखते हैं। तो देखो,
या तो शुरुआत हो सकती है सी से या फिर डी से। अच्छा, आपको भी पता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सी से है, फिर भी वील चेक। हाँ जी, तो देखो, सी को रीड किया। अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, अ लीडिंग आर्किटेक्ट, वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल चेंज इन आर मॉडल ऑफ हाउसिंग। ओके, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। डी का देखा, सैडली नियरली 70 ईयर्स लेटर, आफ्टर अ 100-fold इंक्रीज इन सिटी पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लैंड वैल्यू, वी स्टिल परसिस्ट ऑन द सेम आउटडेटेड आउटमोडेड मॉडल। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, एक सिंपल सी बात है, पहले ये बोल रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही तो रीज़न देगा कि क्यों। तो डी से शुरुआत नहीं होगी, इस ऑप्शन को कट करो। अब आपको बस ये देखना है कि सी रिलेट किससे करेगा। हाँ जी, सी आपका जो है रिलेट किससे कर रहा है। यहाँ पे देखना, ही स्टेट्स दैट इन अर्ली 1950s अ हाउस इन मोस्ट सिटीज रिलाइड ऑन द बंगलो मॉडल। अब एक बात को आप समझना, पहले आपका बी आया है, उसके बाद ही तो डी आएगा। पहले 1950s की बात होगी और उसके बाद ये बोलेगा कि नियरली 70 ईयर्स लेटर। समझ में आया? तो बी के बाद ही, तुरंत बाद हो या ना हो ये चीज नहीं, बट इसके बाद ही होना चाहिए। तो इस ऑप्शन को आप कट कर दीजिए, इस ऑप्शन को भी कट कर दीजिए। दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर, बी के बाद डी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे। आपके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कीजिए कि क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? देखो, 9th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो शुरुआत आपकी ए, सी और डी, यही पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम चांस है सी के, बट वील रीड। ठीक है, देखो, दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट्स ऑन अर्थ। दिस कौन सा, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ए को आप कट कर दीजिए। मैक्सिमम चांसेस ए के थे, बट ए आपका शुरू में ही कट हो गया। सी को देखा, द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमेना। तो यहाँ पे देखा, सी में इंट्रोडक्शन है। डी को रीड किया, दे ट्रेवल ओवर 3,000 माइल्स टू रीच देयर विंटर हैबिटेट इन मेक्सिको। दे कौन, ये तो डी से भी शुरुआत तो नहीं हो सकती है। दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, बट 100% नहीं है, तो ये वो एक्सेप्शन था। हाँ जी, ये वो एक्सेप्शन था जहाँ पे दो ऑप्शंस ए से होने के बाद भी जो आंसर है वो आपका सी से। और ये ऑप्शन, ये इस तरह वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, क्योंकि आपने एक ये चीज़ देखा तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन तो खत्म। अब आपको बस इंट्रोडक्शन देखना है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या होना चाहिए आंसर, आप मुझे बताइए। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी,
चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10th की अगर बात की जाए तो देखो, शुरुआत या तो हो सकती है सी से या फिर डी से। हाँ जी, अब आपको ये पता लगे कि सी या डी में से, तो आपका दो ऑप्शंस कट हो जाएंगे। गूंज, अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया रन्स अ क्लोथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लोथ्स एंड ब्यूटिफुल आइटम्स इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है। रिसेंटली एज ए पार्ट ऑफ द स्कीम, कौन सी स्कीम? ये वर्क स्कीम जिसमें आपको काम के बदले क्लोथ्स मिलते हैं। ठीक है, एन ओल्ड लेडी इन मध्य प्रदेश विलेज वॉज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो डी से शुरुआत तो नहीं है, इसको कट कर दो ऑप्शन को। सी अब या तो ए से रिलेट करेगा या फिर डी से रिलेट करेगा। हाँ जी, क्या होना चाहिए फिर आपके अकॉर्डिंग? ए को रीड किया, एज सून एज शी वॉज गिवन द स्लीपर्स। अब यहां पे पहले स्लीपर्स दी गई है, उसके बाद ही तो कोई स्टेप लिया जाएगा, तो डी के बाद आना चाहिए ए। अगर डी के बाद है तो सी से तो ए रिलेट नहीं करेगा ना, तो सी आपका रिलेट करेगा डी से, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, समझ में आया? इस तरीके से अप्रोच करोगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक्यूरेटली उस क्वेश्चन को आंसर कर दो। अच्छा, यहां पे एक चीज समझना, क्या यहां पे स्पेलिंग गलत लिख दी गई है क्या? ये होनी चाहिए स्पेलिंग। तो देखो, दो चीजें होती है, इसको हम बोलते हैं क्लोथ, थ की साउंड, और इसको बोलते हैं क्लोथ, द की साउंड। डिफरेंस है, ये होते हैं आपके स्टिच जो कपड़े होते हैं, ठीक है, और इसको बोला जाता है अनस्टिच जो कपड़ा, कपड़े का पीस ऑफ क्लोथ होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इस डिफरेंस है, ये होंगे आपके सिले सिलाए और ये जस्ट पीस ऑफ क्लोथ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या आंसर होना चाहिए? अटेम्प्ट करना। अच्छा, ऐसे नहीं करना है कि जस्ट इस वीडियो को बिना पेन और नोटबुक के देख लिया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर आप अपना पेन नोटबुक लेके बैठो, रिलेट करो, क्योंकि आपके पास एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी रफ पेपर तो होता ही है। पेयर बनाओ, जैसे भी आप लोग अटेम्प्ट करते हो उस तरीके से करो, कम से कम टाइम में आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 11th की अगर बात की जाए तो देखो, शुरुआत ए से पॉसिबल है, बी से और सी से और डी से। हाँ जी, बस अब आपको इंट्रोडक्शन देखना है कि कौन से सेंटेंस में, और आपके सामने आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ भाई? देखो, दीज ट्राइब्स बिलीव दैट दे कैन कम्युनिकेट विद द डेड एंसेस्टर्स ओनली थ्रू दिस लैंग्वेज। कौन सी ट्राइब और कौन सी लैंग्वेज? अगेन, समझ में आया? कट करो। टुडे लिंग्विस्ट्स कॉल सच ए लैंग्वेज एन आइसोलेटेड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है आपको नहीं पता, इसको भी कट करो। दो ऑप्शन आपके कट हो चुके हैं। सी को रीड किया, जूनी इज अ लैंग्वेज, अच्छा इस लैंग्वेज की बात हो रही है, स्पोकन ओनली बाई जूनी ट्राइब्स, और ये ट्राइब्स। ठीक है, तो सी आपका क्लियर कट इंट्रोडक्शन है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको डाउट है तो आप डी को रीड कर लीजिए। इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स, ये वाली
हैव बीन एबल टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज. कौन सी? ये वाली. तो इंट्रोडक्शन आपका सी में है, डी को रीड भी नहीं करना पड़ा. और वैसे भी रीड नहीं भी कर, आप एक एक सेंटेंस को रीड नहीं भी करोगे ना, तो भी आपको अगर आप ओवरऑल देखते हो तो सी में आपको इंट्रोडक्शन दिख जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए. आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ. पूरी वीडियो को सब लोग सिंसियरली अटेम्प्ट करना और आप देखोगे इन 60 क्वेश्चंस के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा. और जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग और अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12th की अगर बात की जाए तो देखो शुरुआत ए, डी और सी. ठीक है, मैक्सिमम चांस डी के, बट विल सी दे ऑल्सो. अच्छा, पहले आपको दिख जाए ना प्रोनाउन तो उसको ये मान के ही मत चला करो कि इससे शुरुआत होगी. कहीं ना कहीं कोई और इंट्रोडक्शन डेफिनेटली होगा. सी को देखा, दे फर्दर एडवाइज. फर्दर एडवाइज से शुरुआत तो नहीं हो सकती है ना. आप एक चीज समझो, फर्दर का मतलब क्या है? फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट. अब पहले कोई चीज है, उसी के तो नेक्स्ट कोई चीज होगी. समझ में आया? तो सी को कट कर दीजिए. डी को देखा, मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रीशियस स्पेस. हाँ जी, पॉसिबिलिटी है, विल सी. अब यहां पे देखो, दे ऑल्सो बिलीव, एक पहला बिलीव, दूसरा दे ऑल्सो बिलीव दैट वन मस्ट नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स इफ वन डजेंट यूज दैम एंड लव दैम एनी मोर. उसके बाद देखना, उसके बाद आना चाहिए आपका सी, दे फर्दर एडवाइज. ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट करेक्ट ऑर्डर. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13th पे. अपने अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए, देन विल चेक. हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, फिर हम चेक करते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए.
देखो 13th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपकी जो शुरुआत है वो या तो ए से या बी से या फिर डी से ही हो सकती है। क्लियर है इतना? अब देखते हैं ए को रीड किया, इट्स चीफ फीचर इज दैट, किसका? हमें नहीं पता। इट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी नाउन के लिए तो आएगा ना, चलो इसको छोड़ो। बी को देखा, अ हूड यूनिट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी मेड फेमस बाय अगाथा क्रिस्टी, पॉसिबिलिटी है बहुत ही ज्यादा। डी को देखा, एज द रीडर गोज अलोंग ही या शी टेक्स नोट्स ऑफ द क्लूज, डिड्यूसेस एंड ट्राइज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल बिफोर क्लाइमैक्स। हाँ जी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, स्टोरी का नाम है, किसके द्वारा फेमस की गई है, तो बी से इंट्रोडक्शन होगा आपका। बी अब या तो ए से रिलेट करेगा या फिर डी से। अब ए को भी हमने देखा है, इट्स चीफ फीचर इज दैट रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलोंग। देखो ये स्टोरी है और इसका चीफ फीचर, तो बी आपका सीधा सीधा ए से रिलेट करेगा एंड दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, समझ में आया, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आप अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए, देन वील सी। देखो 14th क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, आपको रीड करने की जरूरत नहीं है पूरा पूरा, बट आप मोटे मोटे भी अगर तौर पे देखोगे तो बी में सीधा सीधा इंट्रोडक्शन दिख रहा है। भाई ये हो गया नाम, ठीक है, ये हो गया राइटर का नाम, तो बी से अगर आपका इंट्रोडक्शन है, दो ऑप्शंस को कट कर दो। अब बी आपका या तो डी से रिलेट करेगा या सी से, अब आप रीड कर लीजिए। ही एंड्स अप मेकिंग अ डिलाइटफुल नुइजेंस फॉर हिमसेल्फ, या फिर द स्टोरी इज अबाउट अ टाइगर हु पॉप्स बाय फॉर टी। ऑब्वियस सी बात है, बी आपका डी से रिलेट करेगा, द टाइगर हु केम टू टी, यहाँ पे तो बी अगर आपका डी से रिलेट कर रहा है तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब ए को तो रीड करने की भी हमें नीड नहीं पड़ी है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एक्सप्लेन किया है तो ज्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, पॉसिबिलिटी या तो ए से है या सी से या डी से। हाँ जी, यही पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम है डी की। देखते हैं, व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी और अ नॉवल द सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सी को देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा कोई तो स्टेप होगा जिसका फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए को देखा, फर्दर मोर, पहले कोई चीज होनी चाहिए उसी के बाद की तो बात होगी, तो ए से तो शुरुआत होने से रही। तो देखो जब आप स्टोरी को लिखते हैं तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। तो डी आपका डी से शुरुआत है और डी आपका रिलेट करेगा सी से, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बताइए, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे आंसर होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। हाँ जी,
जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे हम स्पीड इंक्रीज करते रहेंगे, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। कि मैम कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करें, समझ में नहीं आता, हिंदी नहीं बनती है, ये सब करना ही नहीं है। ऑप्शंस देखो, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। हाँ जी, 16th क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 16th में सबसे पहले ऑब्जर्व करो ऑप्शंस। शुरुआत या तो ए से है या सी से। अब आप दो सेंटेंसेस को रीड करोगे, वहीं से पता लग जाएगा कि कहाँ से शुरुआत है। नेक्स्ट, अच्छा ए को देखा, नेक्स्ट। अब मैं आपको स्टार्टिंग, मतलब कितनी बारी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला सीक्वेंस में नेक्स्ट। तो अगर कोई पहले चीज़ है उसी के बाद तो नेक्स्ट आएगा, तो आप इसको कट करो। सी से शुरुआत है, देखा। द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स विद अ 30 मिनट लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर। ओके, अब सी रिलेट या तो बी से करे या फिर ए से करेगा। तो ए को देखा, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द शेलो वाटर्स यू आर ग्रेजुअली डिवाइडेड टू डाइव इन सेफ एरियाज। ओके, बी को हमने रीड किया। दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वियरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शेलो वाटर्स। अच्छा, आउटसाइड वाटर ही तो ड्राई हुआ, और पहले ड्राई, उसके बाद शेलो, उसके बाद सेफ एरियाज। तो सी बी ए ये आपका बनेगा। हाँ जी, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो देखो, ड्राई लेसन पहले बाहर सिखाएंगे, उसके बाद शेलो यानी उथला पानी, उसके बाद सेफ एरियाज, और उसके बाद एक्चुअल में आप डाइव कर सकते हो। समझ में आया? यही जो है क्रोनोलॉजी रहती है। 17th क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइए। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोच कीजिए। चलो देखो, 17th क्वेश्चन में सबसे पहले आप अगेन, आपको ऑप्शंस ही ऑब्जर्व करने हैं, या तो ए या तो बी या तो सी। पॉसिबिलिटी बी की मैक्सिमम है, फिर भी वील चेक। हाँ जी, तो देखो, बी को पहले रीड कर लो। एन अमेरिकन रिसर्च स्टडी हैज फाउंड दैट विटामिन ए इनटेक कैन लोअर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। हाँ जी, इंट्रोडक्शन की बात है। फिर भी ए को देखा कि ए के सोर्सेज बताए गए हैं। सी को हमने देखा, इट सजेस्ट, इट में क्या, पहले कुछ चीज़ तो हो। तो इन दो ऑप्शंस को कट कर दीजिए। अब बी आपका या तो ए से रिलेट करेगा या डी से। ए को हम रीड कर चुके हैं, डी को देखा, दिस स्टडी हैज बिन पब्लिश्ड इन JAMA डर्मेटोलॉजी। तो देखो, पहले नाम है, उसके बाद कहाँ पब्लिश की गई है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। डर्मेटोलॉजी क्या होता है कमेंट्स में बताना, डर्मेटोलॉजी। और कम से कम भी तीन ऐसे वर्ड्स जिसमें इस रूट वर्ड का यूज किया जाए, डर्म, ठीक है, जिसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, स्किन। तो आप अब आप बता सकते हैं कि डर्मेटोलॉजी क्या होगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो तीन वर्ड्स बता दूंगी जिसमें इस रूट वर्ड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18th पे चलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए।
हाँ जी हाँ जी 18th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? ऑप्शंस ऑब्जर्व करो, रिलेट करो। देखो ऑप्शंस पे ध्यान देना, ए सी और डी यही पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम सी की है बट विल चेक। सबसे पहले आप लोग सी को ही रीड कर लो। माय फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन यूके इज ओवर एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड। हाँ जी पॉसिबिलिटी है बट देखते हैं। द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवंस हैंड व्हेन दे मोस्ट नीडेड। ओके इसकी भी पॉसिबिलिटी है। डी को देखा, नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टूडे। हाँ जी तो तीनों में ही अब कंफ्यूजन है, आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वो सेंटेंसेज है जिनमें आपका अगर थोड़ा टाइम लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो क्वेश्चंस आएंगे या 20 क्वेश्चंस अगर मेंस की बात की जाए तो 20 में से अगर दो में टाइम लग रहा है, 18 आप जल्दी कर पा रहे हो तो उसको फिर ईजी कहा जाएगा। चलिए देखते हैं। ऑल्सो जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन वर्ड राउंड्स इज प्रोबेबली नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया? हाँ जी तो ये हुई पहली नॉट इंपॉर्टेंट और ये हुई दूसरी नॉट इंपॉर्टेंट, तो बी के बाद डी आना चाहिए। हाँ जी आपने अगर पेयरिंग भी की है तो कैसे करोगे, बी के बाद आपका आना चाहिए डी। क्लियर हुआ? तो आप कौन से ऑप्शंस को कट कर दो, कौन से ऑप्शंस को आप कट कर दोगे? इसको कट कर दो, हाँ जी इसको कट कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए, या तो ये या तो ये, इसके अकॉर्डिंग। अब बस आपको ये देखना है कि कौन से। माई फर्स्ट ईयर दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो 19th पे चलते हैं, क्या होना चाहिए? नाइनटीन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? नाइनटीन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए?
ऑप्शंस ए बी और डी, यही पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखना कि ए को हमने रीड किया, वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वॉज 4 फीट लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, यहाँ पे एक रूल बनता है, क्या यूनिट से आपका रूल है कि अगर कोई न्यूमरल हो, उसके बाद कोई यूनिट हो, उसके बाद चाहे एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे ईयर्स नहीं, ईयर होना चाहिए। समझ में आया? हाँ जी। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? ईयर। अब देखो, किन क्रोकोडाइल्स के पहले कोई जिक्र तो होना चाहिए ना। हमने बी को रीड किया पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, कौन सी अनाउंसमेंट, कुछ तो पता हो। तो बी को सबसे पहले कट कर दो। डी को देखा, आफ्टर द मॉनसून डेल्यूज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यूड 3 क्रोकोडाइल्स विच हैड स्वम इनटू रेजिडेंशियल एरियाज, उनमें से एक। हाँ जी, डी से शुरुआत होगी और डी आपका रिलेट भी किससे करेगा? सी ए से, सॉरी, डी आपका ए से रिलेट करेगा। उसके बाद ये अनाउंसमेंट और उस अनाउंसमेंट के बाद, तो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20th पे चलते हैं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20th पे चलते हैं, क्या होना चाहिए? चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ए है, बी और सी। ए से नहीं होगा, देयर फॉर आपको पता है ये चीज़, देखते ही कट करो। आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम। ओके, दे आर डिजेक्टेड लॉट एंड विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस करिकुलम। कौन सा? ये वाला, हैप्पीनेस। तो बी से शुरुआत है, सी को कट करो। अब बी आपका या तो डी से रिलेट करेगा या फिर सी से रिलेट करेगा। सी को हमने रीड कर लिया, डी को देखा, इट इज रियली नीडेड फॉर द यंगर जनरेशन। अच्छा, यहाँ पे देखना, इट का मतलब क्या, ये करिकुलम चाहिए और यंगर जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि दे आर अ डिजेक्टेड लॉट। डिजेक्टेड का मतलब होता है हताश, निराश। समझ में आया? तो बी आपका अगर डी से रिलेट करेगा तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, समझ में आया? फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। तो देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब ये जो क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस, ये आपकी 11 सितंबर वाली शिफ्ट के थे। 11 सितंबर 2018 को, 2019 में जो एग्जामिनेशन आपका हुआ है मेंस का, सीजीएल 2018, उनके क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ेंगे 12 सितंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो चाहे तो आप हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपना स्कोर बता सकते हैं, चाहे ओवरऑल। तो 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। 21st क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए बता दीजिए। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग आंसर बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जनरली कंफ्यूज रहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करते हैं इसको। ए बी और सी, यही है। देयर वर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम। कौन है भाई? नहीं पता, कट करो। शी लुक्ड एट द मैंगोज लविंगली। कौन है? नहीं पता।
रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री. हाँ जी, नाउन है, सी से शुरुआत हो सकती है, शुरुआत डी से भी हो सकती थी, बट डी ऑप्शंस में नहीं है. मतलब अगर नाउन के बेसिस पे आप देखोगे तो सी और डी दोनों से पॉसिबिलिटी थी, बट सी में, सी आपका ऑप्शंस में, डी नहीं है, तो डी को छोड़ो. अब सी आपका या तो रिलेट करेगा बी से या फिर ए से. अब स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन ये रहते हैं कि इस रोमी को वो गर्ल समझ के शी से रिलेट कर देते हैं और बोलते हैं मैम ये आंसर होना चाहिए. लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करना डी को. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन, कमला केम अलोंग. अब रोमी का आप श्योर नहीं हो सकते कि गर्ल का नेम है कि बॉय का, लेकिन जो कमला है वो तो डेफिनेटली एक गर्ल का नेम होगा. हाँ जी, तो डी के बाद ही कहीं ना कहीं बी आना चाहिए. समझ में आया? डी के बाद अगर बी आएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. अटेम्प्ट करना. ट्वेंटी टू का बताओ. चलिए, पॉसिबिलिटी है ए बी और सी. हाँ जी, ए बी सी यही पॉसिबिलिटी है. चलिए देखते हैं. आई कॉट अ स्नेक वंस, ओके. दैट वेल, कौन सा वेल? नहीं पता, बी को कट कर दो. आई कॉट इट बाय इट्स टेल, किसकी बात हो रही है? स्नेक की बात हो रही है. एंड ड्रॉप्ड इट इन दी ओल्ड वेल, इस वेल के बारे में दैट है. तो सी आपका इंट्रोडक्शन है, ये आंसर हो जाएगा. डी को तो रीड करने की भी नीड नहीं पड़ी और हमारे सामने आंसर विजिबल है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. अब तक आपको समझ आया होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए. ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन. देखो 23rd क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, शुरुआत बी और डी. बी को रीड किया, वायलेंट स्टॉर्म रॉक द सी, ओके. फियर्स विंड्स स्ट्रक अ सेलिंग शिप, पहले स्टॉर्म की बात होगी तभी तो हवाओं की बात होगी. तो बी आपका क्लियर कट. हाँ जी, बी आपका क्लियर कट इंट्रोडक्शन हुआ. अब बी रिलेट करेगा डी से, ये भी फिक्स्ड है. अब इसमें से देखना, इट वॉज टॉस्ड हाई ऑन दी वेव्स, द हेल्पलेस पीपल अबॉर्ड द शिप प्लंग्ड इन टू द सी. हवा की वजह से ही तो वो टॉस किया जाएगा. तो डी के बाद आएगा ए. डी आपका रिलेट करेगा ए से, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, समझ में आया? दिस विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24th आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 24th आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? चलिए बताइए.
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24th की बात अगर की जाए तो देखना, ए और सी दो ही पॉसिबिलिटी हैं। ऑल डे आई रिमेंबर टू सी माई प्लेड ऑन दी सेंस विद स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रन। ओके, माई पेरेंट्स टुक मी बाई कार टू अ प्लेस बाय द सी। अगर प्लेस बाय द सी की बात हो रही है तो बीच की बात होगी, तो सी आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अब सी या तो ए से रिलेट करेगा या डी से। तो डी को देखा, वी मेड सैंड कैसल्स विद ह्यूज वॉल्स। वी में कौन? ये एक्साइटिंग चिल्ड्रन और मैं, ठीक है। तो सी आपका ए से रिलेट कर रहा है। दिस विल बी दी करेक्ट आंसर, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 25th का बताना कि क्या आंसर होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर दीजिए, फिर हम देखते हैं कि करेक्ट है, मतलब क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखो, ए और बी दो ही पॉसिबिलिटी हैं। फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड स्पोर्ट, दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। कौन सा? फ्लाइंग काइट्स। तो ए इंट्रोडक्शन है, बी को कट करो। दो ऑप्शंस आपके कट हो चुके हैं। अब देखना, या तो आपका जो ए है वो रिलेट करेगा बी से या फिर डी से। बी हमने रीड किया, दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। डी देखना, इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब्स। हाँ जी, अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए को बी से रिलेट कर देते हैं। लेकिन आप ये चीज़ को ऑब्जर्व करो, क्योंकि रिस्क है इसी वजह से वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस एंड स्किलफुल। तो बी आपका सी से रिलेट करेगा, बी के तुरंत बाद सी आना चाहिए। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग बताना क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए? फर्स्ट सेट के बजाय, फर्स्ट सेट के कंपैरिजन में जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट की है, क्योंकि अब 20 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल अच्छे से सीख लिए। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को कर सकते हैं कि स्पीड थोड़ा इंक्रीज करो बाकी के क्वेश्चंस पे, लास्ट सेट और हम जल्दी से कवर करेंगे। देखो 26 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अगेन ऑप्शन से आपको देखना है ए और डी। ए को देखा, आई लर्न्ड टू पुश लिलीज व्हील चेयर। ओके, वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। तो हर में कौन आ जाता है? लिली। तो ए आपका इंट्रोडक्शन है, इसको आप कट कर दीजिए। तो ए आपका, आपको देखना है रिलेट किससे करेगा, या तो बी से या फिर डी से। आई स्टॉप द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड एंड वॉच्ड लिली रोल हर आइज टू सी द डक्स। देखो, पहले सीखा, उसके बाद पार्क लेके गया और पॉन्ड के सामने चेयर रोक दी। तो ए आपका डी से रिलेट कर रहा है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो 27th का बताइए कि क्या होना चाहिए। 27th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए?
हाँ जी, 27th क्वेश्चन में देखना, ए सी और डी, ए को रीड किया, द ऑफिसर्स आर लुकिंग टू री यूनाइट द डॉग विद हिज ऑनर, ओके, अ पुलिस ऑफिसर ऑन अ मोटरसाइकिल चेज्ड द डॉग, ओके, अ चिहुआ हुआ रैन अक्रॉस कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड बे ब्रिज। यहाँ पे देखो इसकी बात हो रही है, तभी तो पुलिस ऑफिसर्स को कैच करेंगे। तो डी आपका इंट्रोडक्शन है, कट कर दीजिए। बाकी दो ऑप्शंस, डी आपका रिलेट बी से कर सकता है या फिर सी से। बी को देखा था, इवेंचुअली द पुलिस कॉट दी चिहुआ हुआ। अब यहाँ पे आप देखना, पहले पीछा करेंगे तभी तो पकड़ेंगे। तो डी आपका रिलेट किससे करेगा, सी से। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। ट्वेंटी एट क्वेश्चन आपका ए से शुरू हो सकता है, बी से, या फिर सी से। ए को देखा, इफ वी ड्रव 10 किलोमीटर्स अलोंग द रोड दैट ब्रांच्ड ऑफ टू द राइट वी वुड रीच ब्रह्मपुर, ओके, आदित्य एंड आई, वी मे कौन, आदित्य एंड आई। तो बी आपका इंट्रोडक्शन है, दो ऑप्शंस आप कट कर दीजिए। बात करते हैं सी की, वी हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड बाइफरकेटेड। अब बाइफर, बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाइफरकेट का मतलब होता है टू हिस्सों में टूट जाना, ठीक है। तो इस टाइप से भाई रोड एक बार इस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई। तो यहाँ पे आप देखना, बी आपका रिलेट किससे करेगा, डी से ही करेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में ए। तो वी आर ड्राइविंग अलोंग NH40। अब पहले सी आएगा या पहले ए, देखो पहले आना चाहिए सी, उसके बाद ए। रीजन क्या है इस चीज का, पहले रोड बाइफरकेट होगी, उसी के बाद तो आप राइट की तरफ जाओगे। समझ में आया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी सी ए, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आंसर होना चाहिए? देखो 29th क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अगेन आप ऑप्शन से अप्रोच कीजिए, ए बी और डी, यही पॉसिबिलिटी है। ए को रीड किया, द अदर डे वी एंटर्ड द सिटीज ओनली ज्यूइश सेमेटरी, ओके, पॉसिबिलिटी है, ए की पॉसिबिलिटी है। बी को देखा, बट देन, अगेन बट से शुरू तो नहीं हो सकता ना, कट करो। डी को देखा, ऑल दो ज्यूइश पीपल हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर जेनरेशंस दे आर वन ऑफ द नेशंस टाइनीएस्ट माइनॉरिटीज, ठीक है। ए को देखो, ए की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ए को आपको नहीं भी लगता तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सी को देखो, वी वर एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर हाउ टाइनी इट वॉज, किसकी बात हो रही है, सेमेटरी की। सेमेटरी क्या होता है, कब्रिस्तान, वेयर द डेड आर बीरिड। तो ए के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो ए के तुरंत बाद सी, ए के तुरंत बाद सी। हाँ जी, तो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ में आया? एक चीज और समझना, एंटर्ड, देखो प्रेपोजिशन की अगर बात की जाए
तो दो चीजें होती है, एक होती है इन और एक होती है इनटू। अब एक चीज तो सबको पता है, दोनों का सेंस जो होता है वो मेक ही सेंस में है। इन आपका आता है स्टैटिक के लिए, इनटू आता है आपका मोशन के लिए, ठीक है? ये आता है आपका स्टैटिक के लिए, ये आता है आपका मोशन के लिए। जैसे कि द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, ठीक है? द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, तो स्टैटिक और मोशन। एंटर के साथ क्या आना चाहिए, इन या इनटू? क्या यहां पे गलत लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूं। देखो, कम के साथ क्या आता है, कम के साथ आप इन क्यों लगाते हो, इनटू क्यों नहीं लगाते? रीजन ये है इस चीज का, इन आपका यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एडवर्ब की तरह। मैंने एक चीज पूछी, कम वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का आंसर आपको किससे मिलता है, एडवर्ब से। यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। और एंटर का मतलब क्या होता है, एंटर का मतलब होता है कम इन। तो जब इसके साथ ऑलरेडी इन है ही इस वर्ड में, तो इसके साथ इन या इनटू की नीड नहीं है जनरल सेंस में। मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे, जनरल सेंस। लेकिन जब भी एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात होगी, जब भी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना की बात होगी, वहां पे आप एंटर के साथ इनटू का यूज करोगे। जैसे कि क्या हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट में, दे एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर्ड इनटू पैक्ट, समझौते की अगर बात हो जाए, पार्टनरशिप की बात हो जाए, तो वहां पे आप एंटर के साथ इनटू का यूज करोगे, अदरवाइज नीड नहीं है। समझ में आया? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, आपके अकॉर्डिंग बता दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? इस क्वेश्चन को भी आप सेम तरीके से अप्रोच करोगे, ए बी और डी, ठीक है? तो ए को देखा, सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर्ड द होल इंसिडेंट। बी को देखा, कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट अ शॉक व्हेन अ डियर एंटर्ड द मेट्रो, एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सेम एग्जाम्पल, ना इन है ना इन टू है, ठीक है? तो बी से शुरुआत है, साफ पता लग रहा है, हटाइए इन दो ऑप्शंस को। अब बी जो है आपका रिलेट या तो डी से करेगा या फिर ए से करेगा। अब ये चीज हमको देखनी है, डी को हमने रीड किया, नोबडी नोज हाउ इट मेड इन टू दी स्टेशन। तो देखो, एंटर किया और किसी को आइडिया नहीं है कि कैसे, ठीक है? तो बी आपका सीधा सीधा डी से रिलेट करेगा, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, आप आगे देख लीजिए कि इवेंचुअली रैन अवे अनहार्म्ड, और ये पूरा इंसिडेंट जो है सिक्योरिटी कैमराज में है। करेक्ट लॉजिक बना? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बता दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए?
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। बी और सी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। बी को रीड किया, शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। वेन ही रीच्ड कैलकटा, फटीक मेट हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ जी, तो सी से शुरुआत है, इसको कट करो। शी या तो बी से रिलेट, सी या तो बी से रिलेट करेगा या फिर ए से रिलेट किए करेगा। ए को देखा, एंड टेकिंग दिस विलेज लैड इन टू देयर माइडस्ट वॉज टेरिबली अपसेटिंग। तो यहाँ पे देखो, हिज आंट और उनकी जो आंट थी, शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड, वो खुश नहीं थी। तो सी आपका बी से रिलेट कर रहा है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32, या तो पॉसिबिलिटी है ए से या फिर डी से या फिर सी से। हाँ जी, ए को देखा, शी वॉज अ टॉल वुमेन एंड शी कैरीड अ लार्ज पर्स। ओके, इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड अ वुमेन वॉज वॉकिंग अलोन। समझ में आया? तो डी सी से आपकी शुरुआत हो रही है एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो डी को फिर भी रीड करके देख लो, अगर आपको डाउट रहता है तो। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप, किसकी बात हो रही है? पर्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? देखो, शुरुआत पॉसिबल है सी से, बी से और डी से। बी को देखा, एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस व्हाइल ही विजिटेड अरुकरी। तो इट का क्या है? सी को देखा, इन अंटार्कटिका टू पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। सी से शुरुआत है, दो ऑप्शंस को कट करो। अब इसकी बात हो रही है कि उन्हें कैसे मिला, तो सी आपका डायरेक्ट रिलेट करेगा बी से, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन का बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरेटिवली अब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। उसका रीजन बस यही है कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको आराम आराम से पढ़ा दिए, अब थोड़ा स्पीड से 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के टाइम से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती नहीं है। चलो 34th क्वेश्चन आपके सामने, बताइए ए बी सी डी।
हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 की बात अगर की जाए तो ए सी और बी यही पॉसिबिलिटी है। ए को हमने रीड किया, ड्यू टू द मूवी टूरिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू द बीच देयर, कहाँ की बात हो रही है हमें नहीं पता। बी में इंट्रोडक्शन होगा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। माया बे इन थाईलैंड वॉज इन द मीडिया फॉर नाइन इन 1999 व्हेन हॉलीवुड अराइव देयर टू फिल्म द बीच। तो बी से इंट्रोडक्शन, बी से स्टार्टिंग है अगर, तो हाँ जी आप इस ऑप्शन को कट कर दीजिए, इसको और इसको, आंसर आपके सामने है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब इससे इजी क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट में नहीं पूछा जा सकता है। चलिए 35th का बताइए, 35th का बताइए। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, या तो पॉसिबिलिटी बी से है या सी से है। इट वॉज द फैग एंड ऑफ द समर, ऑफ समर, हाँ जी। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड द रेन केम कॉजिंग हैवॉक ऑल अराउंड। ओके, दोनों में ही कंफ्यूजन है। अब आप एक काम करो, पेयरिंग करने की कोशिश करो। वन डे हाउएवर वी हैड अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। अच्छा, पहले स्टॉर्म आएगा, उसी से तो हैवॉक क्रिएट होगा। हाँ जी, समझ रहे हो इस बात को, पहले आपका स्टॉर्म आएगा उसके बाद ही तो हैवॉक क्रिएट होगा। तो डी के तुरंत बाद सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। चलो देखो 36th क्वेश्चन में भी अगेन आपको सेम अप्रोच रखना है, बी डी और सी, ठीक है। बट से शुरू नहीं होगा, देखते ही सबसे पहले कट किया करो। फ्लाइंग काइट्स इज माई फेवरेट पास टाइम। ओके, इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज। क्या फ्लाइंग काइट्स ना, तो डी से शुरुआत होगी। डी अब बी से रिलेट करे या सी से। बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। हाँ जी, तो देखो अब डी आपका रिलेट किससे कर रहा है, डी आपका सी से रिलेट करेगा। इस चीज़ का रीज़न ये है कि पहले आप ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही तो करोगे कि अब आउट ऑफ फेवर हो रहा है। तो डी जो है रिलेट करेगा आपका सी से, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, सेकेंड सेट कंप्लीट होने वाला है भाई। 20 क्वेश्चन ईच सेट, फर्स्ट 20 क्वेश्चन 11 सेप्टेम्बर, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन 12th सितंबर, और उसके बाद नेक्स्ट 20 आपके 13th सितंबर वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड सेट बस कंप्लीट होने वाला है, बताइए 37th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। चलो
37th में शुरुआत ए है, ए से हो सकती है, बी से हो सकती है या डी से हो सकती है। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन। ओके, द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर। ओके, द एलमोर बैंक हैड जस्ट पुट अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। हाँ जी, डी से शुरुआत होगी आपकी, ए को कट, ये बाकी ऑप्शंस कट, बस आपके सामने आंसर है। हाँ जी, 37th का क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ वन, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 के बाद टू मोर क्वेश्चंस टू गो, सेकंड सेट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन, शुरुआत या तो ए से है हो सकती है या बी से या फिर सी से। ऑन सैटरडे 10th टाइफून लेकिमा मेड लैंड फॉल इन चाइनाज झेजांग प्रोविंस। हाँ जी, अब दिस प्रोविंस किसकी बात हो रही है? बी, इसकी। तो ए से शुरुआत है, बाकी ऑप्शंस को आप कट कर दीजिए। अब ए रिलेट भी किससे करेगा, बी से या डी से? मोर देन 1 मिलियन पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम्स। भाई पहले प्रोविंस रिलेट किया किया प्रोविंस रिलेट किया जाएगा, उसके बाद ही इवैक्यूएशन की बात होगी। ठीक है, तो ए आपका रिलेट करेगा बी से, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ भाई? चलो 39th क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, 39th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, बी और डी यही पॉसिबिलिटीज हैं। ऑन सैटरडे एन ऑयल टैंकर इन तंजानिया लॉस्ट कंट्रोल एंड ओवरटर्न ऑन अ बिजी रोड। ओके, पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट 61 पीपल डाइड एंड 70 मोर वर इंजर्ड। क्यों? इसकी वजह से होगा ना। तो बी में इंट्रोडक्शन, अब बी आपका सी से रिलेट करेगा कि ए से? अराउंड 150 पीपल गैदर्ड नियर द टैंकर एंड सम ऑफ देम ट्राइड टू साइफन अवे सम फ्यूल। ओके, After around 20 minutes of the crash, the tanker caught fire and exploded. अच्छा, मुझे एक बात बताना, अगर उसमें ऑलरेडी फायर लगी हुई है तो लोग उसके नियर थोड़ी ना गैदर्ड होंगे, समझ में आई बात? तो बी आपका सीधा सीधा रिलेट करेगा सी से, तो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। अब लोग गैदर हुए, फ्यूल लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक्सप्लोड होगा, तभी तो ये चीज होगी, वरना ऑयल टैंकर में 61 लोगों का क्या काम? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। अभी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, अभी पहले 40 बताइए कि क्या होना चाहिए। हाँ जी,
देखते हैं, देखो क्या पॉसिबिलिटी है। शुरुआत या तो आपकी हो सकती है ए से या फिर बी से। ए को देखा, एंड आई वॉज ईयर अर्निंग। अब एंड से तो शुरुआत नहीं होगी ना, तो ए को आप कट कर दीजिए। बी से ही जो है स्टार्टिंग पॉसिबल है, आइदर दिस और दिस। अब बी आपका या तो सी या तो डी। बी को देखा, इट वॉज 20 ईयर्स अगो। ओके, एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग इन पेरिस। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन लैटिन क्वार्टर ओवर लुकिंग ए सेमेटरी। ठीक है, तो बी आपका सीधा रिलेट करेगा सी से, तो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये आपके हुए 40 क्वेश्चंस। दो सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 11 सितंबर एंड 12 सितंबर। एक सेट बाकी है 13 सितंबर वाला, वो भी अभी सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे जैसे हमने 40 क्वेश्चंस जैसे अब कंप्लीट किए, तो आपका स्कोर जो है इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। करना क्या है, एट द एंड ऑफ द सेशन आप सभी अपना स्कोर डेफिनेटली बताना कि 60 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए। या फिर आप चाहे तो इस वीडियो को 20 20 20 के सेट्स में 3 पार्ट्स में अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइदर वे दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। अब लास्ट के 20 क्वेश्चन देखो, पहले 20 क्वेश्चन हमने पूरा टाइम लगा के अटेम्प्ट किए, फिर 20 क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ाई, अब ये जो 20 क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी से कवर कर लेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए आप मुझे बता दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। चलो 41 क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होना चाहिए। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी और डी। ए को रीड किया, इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड सेक्रीफाइसेस। ओके, वॉट हमें नहीं पता। बी को देखा, टू रेज वेल बिहेव्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन वन शुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम पेशेंस एंड एनर्जी। पॉसिबिलिटी है। डी को देखा, देर इज नो डाउट दैट पेरेंटिंग इज अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग टास्क इन द वर्ल्ड। हाँ जी, किसमें है, डी में, पेरेंटिंग की बात हो रही है, उसके बाद ये चीज बताई गई है। अब डी आपका, हाँ जी, डी से अगर शुरुआत हो रही है तो बस दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, बताना क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करना ध्यान से। देखो पॉसिबिलिटी है ए सी और डी। हाँ जी, पॉसिबिलिटी ए सी और डी। ए को देखा, शी स्टार्टेड द उदयपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन शिक्षांतर टू क्रिएट अ स्पेस फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कॉल्ड अनस्कूलिंग। हाँ जी, अब आप सीधा सीधा ये चीज़ देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन के चांसेस हैं। बिल्कुल सी देखना, निधि जैन। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो आप, शी किसके लिए आया होगा, निधि के लिए। तो निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 decades। तो सी में फिक्स हो गया कि इंट्रोडक्शन है, ये कट कर दीजिए। सी अब रिलेट करेगा या तो बी से या फिर ए से। हाँ जी, बी को देखा, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज। अब ये देखो सी, आप हमने ए को रीड किया है, सी आपका डायरेक्टली रिलेट किससे कर रहा है, ए से। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
हाँ जी, बी से क्यों नहीं करेगा? जैसे हमने पढ़ा इट ऑल्सो, पहले मुझे ये तो बताइए कि भाई एक चीज तो ये ऑर्गेनाइज करे, उसके बाद ही तो कोई दूसरी चीज। अभी तो सिर्फ इसने ये बताया है कि अनस्कूलिंग पेरेंट, उसके बाद क्या? ये चीज समझ में आया, ये ऑर्गेनाइजेशन और ये क्या करती है, समझ में आया? चलो, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? चलो, 43rd क्वेश्चन बताइए। देखो, पॉसिबिलिटी है या तो बी या तो सी। बी को देखा, विलियम्स, हु इज सेट टू बी वन ऑफ द फर्स्ट टू फ्लाई अबाउट बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट इन नवंबर 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द फेस्टिवल बाय फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट माइक मैसिमिनो। सी को देखा, ऑन सितंबर 22, 2018 नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, अ वेटरन ऑफ टू लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट्स, टॉक टू फैमिलीज एंड स्पेस एंथुजियस्ट अबाउट दी स्पेस ट्रेवल। अच्छा, मुझे ये बताना, फुल नेम किसमें है? इसमें कि इसमें? ऑब्वियस सी बात है, सी से शुरुआत होगी। बी को कट कर दो। अब सी आपका या तो बी से रिलेट करेगा या फिर डी से। बी को आपने रीड किया, बी को आपने किया ही हुआ है। हाँ जी, बी को आपने रीड किया है, डी को रीड करेंगे। शी वॉज स्पीकिंग एट द इंटरप्रिट एयर सी एंड स्पेस म्यूजियम ड्यूरिंग द रिसेंट स्पेस एंड साइंस फेस्टिवल। तो देखो, सी आपका रिलेट कहाँ पे करेगा? यहाँ पे। फैमिली से बातचीत कहाँ होगी? यहाँ पे। तो सी आपका डी से अगर रिलेट करेगा तो थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। हाँ जी, थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44th पे चलते हैं, बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44th, क्या आंसर होना चाहिए? स्पीड इंक्रीज इस वजह से की है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड इंक्रीज होगी। फर्स्ट 20 क्वेश्चन हमने बहुत आराम से किए, नेक्स्ट 20 आराम से, अभी ये 20 हम कवर करेंगे थोड़ा स्पीडली। 44th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताइए। अटेम्प्ट कीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो ध्यान से देखना इस चीज को, रिलेट आपका शुरुआत किससे हो सकती है? ए, बी और सी, यही ऑप्शंस है। हाँ जी, अब देखना, न्यू आइडियाज ऑन मार्केटिंग वर ब्रेन स्टॉर्म्ड एंड ऑल द मेंबर्स एग्रीड टू ट्राई देम फोर्थ विद ओके। अपॉन देयर रिटर्न फ्रॉम एन ऑफ साइट कैंप, रवि एंड सुनील डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग। नेम किस में है? इंट्रोडक्शन। अब बी आपका या तो रिलेट करेगा सी से या डी से। As soon as everyone assembled, the meeting which lasted for 4 hours began. Its purpose was to replace some of the old ways of marketing used by company with new ones. हाँ जी, आप देख सकते हैं B आपका relate किससे कर रहा है directly? B आपका directly relate कर रहा है C से। हाँ जी, उन्होंने decide किया कि वो meeting को
होल्ड करेंगे, और जैसे ही सब लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग जो कि 4 घंटे तक चली शुरू हो गई। तो बी आपका सी से अगर रिलेट करेगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब मीटिंग जो शुरू हुई है उसी के पर्पस के बारे में तो बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए। चलो देखो, रिलेट शुरुआत किससे होगी, ए बी सी डी। बस अब आपको अब ये देखना है कि शुरुआत किससे हो सकती है, इंट्रोडक्शन किस में है, एंड आपके सामने आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। सम यूज्ड कार में हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स और सेल्वेज्ड एंड रीबिल्ट। ओके, बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इट्स इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट। ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इफ द कार इंजन इज क्लीन इट्स अ गुड साइन, बट स्टिल आस्क फॉर अ टेस्ट ड्राइव। इट इज देयर फॉर, डी से तो नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपने 3 सेंटेंसेस में देखा कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो एक चीज देख लेना भाई। देखो, इट इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द कार्स इंजन फॉर एनी फ्लूइड लीक्स। अगर सही है तो भी टेस्ट ड्राइव के लिए जाओ, तो डी सी ऐसे रिलेट होगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 46, क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी, चलो देखो, या तो शुरुआत हो सकती है ए से, या तो बी से, या तो डी से, यही पॉसिबिलिटी है। देखते हैं। क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेडरूम इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, इसका मतलब क्या होता है बी। ठीक है, तो इससे शुरुआत, तो शुरुआत की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कट करो। इट इज पॉसिबल टू रिट्रेन योर ब्रेन टू हैव अ साउंड स्लीप। हाँ जी, पॉसिबिलिटी है। स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड एंड गेट अप। हाँ जी, बी से शुरुआत होनी चाहिए, और बी आपका रिलेट किससे करेगा, बी आपका रिलेट करेगा डी से, कि भाई पॉसिबल है ब्रेन को ट्रेन किया जा सके कि साउंड स्लीप के लिए। सबसे पहला क्या है, टाइम को आप रेगुलेट करो, तो बी आपका डी से रिलेट करेगा। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 47th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कीजिए।
देखो, तीन क्वेश्चन, चार चार सेंटेंसेस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, या तो बी या तो सी। द बॉय सो दैट पिलर वॉज गेटिंग क्राउडेड विद नेल्स एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। सी को देखा, फादर वॉन्टेड टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज केयरलेस सन। हाँ जी, इस सन की बात हो रही है। चलिए, तो सी में इंट्रोडक्शन है, कट कर दीजिए। अब सी आपका या तो रिलेट करेगा ए से या रिलेट करेगा डी से। क्लियर हुआ? ए को देखा, सो ही टोल्ड हिज सन दैट फॉर एवरी केयरलेस एक्ट ऑफ हिज ही वुड हैमर अ नेल इन टू अ वुडन पिलर इन देयर हाउस एंड फॉर एवरी पॉजिटिव एक्ट ही वुड पुल आउट वन नेल। तो यहाँ पे देखिए, सी ऐसा करना चाहता था इसीलिए ऐसा कहा। सी आपका सीधा सीधा रिलेट कर रहा है ए से। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो, 48th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर बता दीजिए। चलो, 48th क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी ए से है, सी से और डी से है। स्टार्टिंग में देखो, देर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशियंट इंडियन सेज हु वॉज कॉल्ड अगली नेम्स बाय अ पासर बाय। सी को देखा, ही फाइनली, ही कौन, और फाइनली से तो फिर शुरुआत तो नहीं हो सकती है ना, कट करो। द सेज कौन, ये तो इंट्रोडक्शन है ए में। अब ए आपका सी से रिलेट करेगा या फिर डी से रिलेट करेगा, तो देखो, द सेज लिसन अनपर्टर्ब अनडिस्टर्ब टिल द मैन रैन आउट ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, ए आपका डायरेक्टली रिलेट किससे कर रहा है, डी से। चलो, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, 49, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखो, पॉसिबिलिटी है सी और डी, रीड किया। इवन टुडे चार्ली इज वाइडली रिगार्डेड। अच्छा, यहाँ पे देखो, इवन टुडे चार्ली, और यहाँ पे देखो चार्ली चैपलिन, तो पूरा नेम फुल नेम जिसमें हो वही इंट्रोडक्शन होता है। डी से इंट्रोडक्शन है। अब डी आपका या तो रिलेट करेगा बी से या फिर ए से। तो देखो, चार्ली चैपलिन वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 16, 1889 इन लंदन एंड नेम्ड आफ्टर हिज फादर अ ब्रिटिश म्यूजिक हॉल एंटरटेनर। ही स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड विद हिज मदर। बर्थ और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, तो डी आपका रिलेट करेगा बी से। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 49th का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। 50th क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आंसर होना चाहिए?
देखो पॉसिबिलिटी है ए से, बी से या फिर डी से। ओवर द पास्ट वीक द स्टेट हैज बीन पाउंडेड बाय इंटेंस रेनफॉल, दस ट्रांसफॉर्मिंग द जुलाई डेफिसिट टू सरप्लस। किस स्टेट की बात हो रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द स्टेट, ठीक है? तो बी से आपका जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। दो सेंटेंसेस रीड किए, हमारे सामने आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे क्या आंसर होना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी देखो पॉसिबिलिटी ए और बी, ऑप्शंस को हमने नोटिस किया, ए और बी। ए को देखा, इन द स्टडी रिसर्चर्स फाउंड दैट किड्स हु एक्सपीरियंस देयर ग्रोथ स्पर्ट लेट हैड लोअर देन एवरेज बोन डेंसिटी इन द यंग अडल्टहुड। बी को देखा, टीन्स हु हिट प्यूबर्टी लेट मे एंड अप विद वीकर बोन्स, अ न्यू स्टडी फाइंड्स। अच्छा एक चीज समझना। हाँ जी, दिस और दिस, ए और बी, इंट्रोडक्शन आपका किसमें है? इसमें, इस स्टडी की बात हो रही है और इस स्टडी में ये चीज डिस्क्राइब्ड है, तो बी से इंट्रोडक्शन है। और बी आपका रिलेट भी किससे करेगा? ए से करेगा, क्योंकि ये चीज और फिर इसमें डिटेल। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 52nd क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? चलो 52nd क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए? देखो पॉसिबिलिटी है ए, सी और डी। ए को रीड किया, हैविंग कैंसर इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इन अ पर्सन्स लाइफ। सी को रीड किया, द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी डीज डेज एज दे अलाउ वॉलंटियर्स टू टॉक विद दोज हु आर लिविंग विद कैंसर। डी को रीड किया, बट। अब आपको पता है बट से तो शुरुआत हो नहीं सकती है, तो कट करो। ए और सी, हाँ जी, इंट्रोडक्शन किस में है? क्लियरली आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ए में है, तो ऑप्शंस कट। अब ए आपका रिलेट या तो सी से करेगा या फिर डी से करेगा। हाँ जी, तो हमने थर्ड सेंटेंस सी को रीड किया था, देखो
द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी डीज डेज एज दे अलाउ वॉलंटियर्स टू टॉक विद दोज हु आर लिविंग विद कैंसर बट दीज डेज देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स दैट हेल्प पेशेंट्स कोप विद द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर बाई प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर फीलिंग्स एंड चैलेंजेस दे फेस विद अदर्स. हाँ जी दिस विल तो ए आपका सीधा सीधा रिलेट करेगा डी से. थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए. 53. फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑर्डर. हाँ जी 53rd क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, बताइए. चलो देखो पॉसिबिलिटी है ए और सी. ए को देखा, स्पून दी ब्राउनी बैटर इनटू द प्रिपेयर्ड पैन एंड बेक फॉर 30 to 40 minutes. ओके. टू मेक चॉकलेट चिप ब्राउनीज मिक्स टुगेदर मेल्टेड बटर ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर यूजिंग अ वुडन स्पून और हैंड मिक्सचर. हाँ जी इंट्रोडक्शन किस में है, इंट्रोडक्शन है आपका सी में. अब सी आपका रिलेट या तो ए से करेगा या फिर डी से करेगा. हाँ जी सी आपका रिलेट या तो डी से करेगा या फिर ए से करेगा. डी को हमने देखा, नेक्स्ट स्टिर इन फ्लोर एंड सॉल्ट एंड मिक्स अंटिल फ्लोर इज इनकॉर्पोरेटेड एंड देन एड सम चॉकलेट चिप. हाँ जी सी आपका रिलेट करेगा डी से. ये चीज से जो बनता है उसको बोलते हैं बैटर, जो बेस बनता है. हाँ जी उसको बोलते हैं बैटर. तो सी आपका रिलेट करेगा डी से. सेकेंड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होगा. हाँ जी तो क्वेश्चन नंबर 54th आपके सामने है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए. देखो पॉसिबिलिटी है बी से, सी से और डी से. बी को देखा, वंस तेनाली रामन वांटेड टू विजिट द काली टेम्पल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड प्रे. ओके. इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम तेनाली रीच्ड. अच्छा यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन किस में होना चाहिए. हाँ जी इंट्रोडक्शन किस में है, फुल नेम किस में है, बी में. तो चांसेस है इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए बी में. डी को देखा फिर भी, रमन हु वॉज डेजर्ट टू सी मदर काली इन ऑल हर ग्लोरी लुक एट हर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एंड कुड नॉट कंट्रोल हिज हैप्पीनेस. तो बी में आपका इंट्रोडक्शन है, बाकी दो ऑप्शन को कट कर दीजिए. बी आपका रिलेट करेगा अब या तो सी से या तो ए से. हाँ जी तो बी, जैसे हमने ऑप्शन सी को रीड किया, बी आपका रिलेट कर रहा है सी को कि इट वॉज क्वाइट डार्क जब तक वो टेम्पल पहुंचा.
तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है. सेट हमारा कंप्लीट होने वाला है 60 क्वेश्चंस. इसके बाद 5 मोर क्वेश्चंस टू गो. चलिए बताइए 55th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. चलो देखो, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ए से, या तो बी से, या तो डी से. ठीक है, तो ए को हमने देखा. नाउ दैट द रियल एस्टेट स्पेक्टेटर हैज गॉट इट्स ऑन रेगुलेटर RERA फ्रॉम May 1, 2017, थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव. ओके, बी को देखा. फॉर मैनी ऑफ द होम बायर्स, स्पेस नहीं होगा, अक्रॉस लोकेशंस द डिले हैज एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 6 ईयर्स और मोर. डी को देखा. फॉर द बायर्स ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज द डिले इन पोजेशन ऑफ देयर होम्स हैज़ बीन द बिगेस्ट कंसर्न. हाँ जी, इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन है आपका डी में, तो इन दो ऑप्शंस को कट करो. अब डी आपका रिलेट या तो ए से कर सकता है या फिर बी से कर सकता है. हाँ जी, तो देखना. फॉर मैनी होम बायर्स Across location, the delay has extended to almost 6 years or more. ठीक है, पहले तो डिले और कितना हो चुका है, कितना एक्सटेंड हो चुका है, तो बी आपका डी आपका रिलेट करेगा बी से. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 56th. क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए. हाँ जी, 56th आपके सामने है क्वेश्चन. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर. देखो, पॉसिबिलिटी है बी और सी, यहीं से स्टार्टिंग हो सकती है. व्हेन यू हैव देम राइट एंड कीप प्रैक्टिसिंग यू आर श्योर टू बेक सम ऑफ द यमीएस्ट केक्स. ओके, सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मैनी थिंग. हाँ जी, पॉसिबिलिटी सी से. देखते हैं अब सी आपका रिलेट या तो डी से करेगा या ए से. फर्स्टली, अनलेस यू हैव द राइट इंग्रीडियंट्स एंड रेसिपी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सी आपका रिलेट करेगा सीधा सीधा डी से. ठीक है, यहाँ पे देखो, इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयर फॉर बी ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी. पहले उनका जिक्र होगा, उसके बाद क्वालिटी की बात होगी. चलिए 57th पे चलते हैं. बताइए क्या आंसर होना चाहिए. हाँ जी,
देखो पॉसिबिलिटी है ए एंड डी, हाँ जी पॉसिबिलिटी है ए एंड डी, रिलेट रीड किया, दो एवरीथिंग वॉज ऑन दी अप एंड अप फॉर होल्समैन, येट समथिंग वॉजेंट क्वाइट राइट, ओके होल्समैन अ वेल नोन शेफ, हाँ जी डी से डी में इंट्रोडक्शन है, कट करो। डी अब बी से रिलेट करेगा या फिर ए से, ए हम रीड कर चुके हैं, पहले डी को देखते हैं। अ वेल नोन शेफ स्टार्टेड हिज करियर एट द एज ऑफ 15 व्हेन द प्रोडिजी बिगिन कुकिंग अंडर एरिक रिपर्ट एट द आइकॉनिक न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट ले बर्नेडिन, ठीक है। यहाँ पे देखा बी को हमने रीड किया, एट 19 ही एनरोल्ड इन द कलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका बिफोर हेडिंग टू द वेस्ट कोस्ट टू कुक फॉर सच वेल एस्टीम्ड रेस्टोरेंट एज पैलेडिन नापा एंड एक्वा, हाँ जी। तो देखो डी आपका रिलेट किससे कर रहा है, बी से, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 बताइए क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी तो देखो पॉसिबिलिटी है या तो शुरू होगा शुरुआत होगी बी से या फिर डी से। हेयर लॉस कैन बी ट्रेस टू एन इंक्रीज इन इंटरनल डीएचटी एंड कॉलेजिन प्रोडक्शन, ठीक है। व्हेन टू मच कॉलेजिन लाइंस द इंटीरियर ऑफ द फॉलिकल्स इट नैरोज द पोर्स डिक्रीजेस ब्लड फ्लो एंड स्लोली स्ट्रैंगल योर हेयर टू डेथ। अब मुझे बताइए इंट्रोडक्शन किस में हो सकता है, बी और डी, हाँ जी क्लियरली इंट्रोडक्शन है बी में। बी अब रिलेट किससे करेगा, या तो ए से या डी से। डी को हम रीड कर चुके हैं, ए को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेयर लॉस एक्सपर्ट्स एक्सेस डीएचटी ड्रेस्टिकली इंक्रीजेस कॉलेजिन प्रोडक्शन इनटू द हेयर फॉलिकल, हाँ जी क्लियरली बी आपका रिलेट कर रहा है ए से, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, देखो पॉसिबिलिटी है या तो ए या तो सी या तो डी, हाँ जी। एंड जैसा कि मैं आपको शुरू से बताती आई हूँ मैक्सिमम है सी, बट वील रीड ऑल। इट वॉज कॉल्ड टेक ऑनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड, वॉट वी डोंट नो। माई कलीग्स एंड आई फेल्ट एंड बिहेव लाइक ऑनर्स बिकॉज वी एक्चुअली वर, ओके। आई वंस वर्क फॉर अ लार्ज बैंक दैट गेव स्टॉक ऑप्शन टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, हाँ जी डी में आपका जो है इंट्रोडक्शन है, क्लियर हुआ। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसमें इन दो ऑप्शन की नीड ही नहीं पड़ी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। डायरेक्टली चेक करना है ऑप्शंस को, बी सी और डी। देखो फुल फॉर्म जहां पे भी आपको एब्रिविएशन की फुल फॉर्म मिल जाए वहीं से पॉसिबिलिटी होती है। ये दो ऑप्शंस या तो ए या फिर डी, यहीं से जो है शुरुआत हो सकती है, बट ए ऑप्शन में ही नहीं है तो डी से जो है स्टार्टिंग होगी। अब डी आपका रिलेट या तो ए से कर सकता है या फिर सी से कर सकता है, क्लियर हुआ। तो डी को देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अक्रॉस द कंट्री विल सून हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग आवर्स एज पर अ रीसेंट मूव,
दिस मूव इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म एजेंडा. कौन सी मूव? ये वाली. तो डी आपका क्लियरली रिलेट कर रहा है ए से. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, तो 60 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए जो मेंस थे 11, 12 एंड 13 सितंबर को. ईच शिफ्ट के 20 क्वेश्चंस. तो आप सभी मुझे बताएंगे कि आपका क्या स्कोर रहा है आउट ऑफ 60. क्लियर हुआ? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीजीएल 19 के प्रस्पेक्टिव से, सीएचएसएल 19 के प्रस्पेक्टिव से. क्लियर हुआ? चलिए, जो भी स्टूडेंट्स एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हैं, अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही प्लान में मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे. मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो या रीजनिंग, सभी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी बेस्ट एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही प्लान में. अगर आपकी लाइव क्लासेस मिस भी हो जाती हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से क्लास रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. हाँ जी, CAGL 2019 और CHSL 2019 के एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली जो बैचेस चल रहे हैं, ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे एक ही प्लान में. वन ईयर का प्लान अगर आप परचेज करते हो तो पड़ जाएगा करीब 4800 रुपीज़ का. सिक्स मंथ्स का अगर आप प्लान परचेज करते हो तो पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का. इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो डिस्काउंट कोड यूज़ करना होगा PMYT. क्लियर हुआ? हाँ जी, इन प्लान्स के साथ साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लास टेस्ट, क्लास PDF, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी आपको अलग से पे करने की नीड नहीं है. कैसे लेना है? अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, SSC एग्जाम्स को चूज़ करो, अपना प्लान चूज़ करो और यहाँ पे आपको कोड एंटर करना है PMYT और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. वन ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा. एक तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, दूसरा एक ही प्लान में आप अभिनय सर की भी शीट सॉल्व कर सकते हो, पवन राव सर की भी शीट्स आप सॉल्व कर सकते हो. एक साल तक कहीं उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है. एक प्लान लो अपना, आराम से बैठ के पढ़ो. क्लियर हुआ? हाँ जी, SSC के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट करके चल रहे हैं और या कोई भी और आप प्लान परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको सेम डिस्काउंट कोड का यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट. कोड है PMYT, कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा. हाँ जी, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में. चलिए, टेक केयर. हे गाइस, गुड इवनिंग. क्या हाल चाल आप सबकी? भाई कैसे हैं आप सब? देखो, गुड इवनिंग. क्या हाल चाल आप सबकी? भाई आज की क्लास में हम करने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट. ओके, इसी को कॉमनली आप जानते हो पैरा जंबल्स के नेम से या फिर PQRS. ठीक है, SSC में, प्री में और मेंस में दोनों में ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. CGL ले लो, CHSL ले लो, CPO ले लो, सभी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो. जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है फटाफट से मुझे रिस्पॉन्ड करो पहले तो. जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है रिस्पॉन्ड करो. मैंने आपको बता रखा है कि डेली आप 8:15 का टाइम फिक्स रखो, बट जो कल आपकी क्लास है वो होगी 7:15 बजे. ठीक है, कल की जो आपकी क्लास होनी है वो है आपकी 7:15 बजे. हेलो पायल. दूसरी चीज ये कि कोई भी आपको डाउट लगे, कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगे कि मैं आपको कराऊं, तो किसी भी वीडियो के जो भी मेरे सेशन है उनमें किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो टॉपिक जो है करा दूंगी. कोई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, कल ध्यान रखना 7:15 बजे क्लास है. हम करने वाले हैं वॉइसेस, फिर हम करेंगे नरेशन. वॉइसेस और नरेशन आपको पता है प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. CGL 18 की अगर बात की जाए तो दो वॉइसेस के क्वेश्चन आए थे हर सेट में. हो सकता है अगली बार एक वॉइस का और एक नरेशन से आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. और मेन्स में तो आपको पता ही है वॉइसेस और नरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेशन स्टार्ट करते हैं. गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन
दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, आपको वो ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि उनका करेक्ट ऑर्डर देता है. फटाफट से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए. करना है सबसे पहले ऑप्शंस देखो, या तो आपका जो सेंटेंस में स्ट्रक्चर है या तो वो डी से स्टार्ट हो सकता है या फिर वो स्टार्ट हो सकता है ए से, क्योंकि दो ऑप्शन डी और दो ऑप्शन ए है. तो बी और सी से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, तो आपको पहले ए और डी ही पढ़ने और देखना है कि कौन से पार्ट में इंट्रोडक्शन है. तो ए सेंटेंस को हमने पढ़ा, द कैफेज ऑनर सेज ही इज इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन एंड hopes customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation. ठीक है. फिर हमने डी पढ़ा, दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन्ड इन टोक्यो इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड. आपको क्लियरली दिख रहा है कि डी जो ऑप्शन है उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है. ठीक है, अगर इस कैफे के बाद ही तो कैफे ओनर की बात होगी, तो आपको पता है सेंटेंस का जो करेक्शन है वो ये तो नहीं हो सकता, या तो ये ऑप्शन होगा या ये, दो ऑप्शन सीधा सीधा कट चुके हैं. क्लियर हुआ? तो अब देखो, या तो डी आपका रिलेट करेगा बी से या फिर सी से. अब आप पढ़ो बाकी के सेंटेंसेस. जब ये कह रहा है कि ये जो कैफे है ये फेंट हार्टेड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्यों नहीं है? हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स. ओके, ठीक है. फिर दूसरा देखा, नन ऑफ देम आर वेनमस मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स. अब यहाँ पे देखो, डी आपका रिलेट कर रहा है सी पे, क्यों? क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप कॉफी पीते हो 35 स्नेक्स के साथ. तो डी ने अगर सी से रिलेट किया तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ. समझ में आया? मेथड भी समझ में आया साथ साथ? बताओ. क्लियर हुआ भाई कि किस तरीके से अप्रोच करना है? ऐसा नहीं कि पहले चारों ऑप्शंस, चारों सेंटेंसेस को पढ़ो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. देखो अगेन आपके सामने या तो सेंटेंस आपका ए से शुरू होगा या फिर सी से शुरू होगा. क्लियर हुआ? अब देखते हैं, रीड करते हैं. द एलिफेंट टस्क्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months. ठीक है. फिर हमने रीड किया सी, 4 tons of ivory with a market value of $6 million. It was an impressive haul. ठीक है, तो A और C. अब आपको पता है कि introduction की अगर बात की जाए तो कौन से part में दिख रहा है? बताओ. Introduction की अगर बात की जाए तो कौन से part में दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर B sentences को पढ़ो. Customs officials in Thailand say it's the biggest seizure in the country's history. कौन सा seizure? ये वाला सीजर जो $6 million का हुआ है ना, तो सी के बाद आएगा बी. सी के बाद आना चाहिए बी. इतना क्लियर हुआ? अब सी के बाद बी कितने सेंटेंसेस में है? इसमें तो नहीं है. ठीक है, आपके पास 3 sentences ऐसे हैं जिसमें सी के बाद बी है, और सी के तुरंत बाद बी कितनों में है? सिर्फ एक ही में है. ये हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ? इस तरीके से रिलेट करके चलना है आपको. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक. अब देखो, या तो आपका सेंटेंस ए से शुरू है या सी से. हमने ए को पढ़ा, दिस प्लास्टिक विच एंटर्स द सी सिंक्स, यानी जो प्लास्टिक सी में फेंका जाता है उसका 70% जो है सिंक हो जाता है. अब भाई कौन सा प्लास्टिक बात हो रही है, कौन से प्लास्टिक की? तो ए से तो शुरू हो नहीं सकता है, सेंटेंस आपका शुरू होगा सी से. तो दो ऑप्शन तो एक फर्स्ट उसको रीड करने पे ही कट गए. आपका अगर सेंटेंस शुरू होगा तो किससे बनेगा? सी से बनेगा. सी किससे रिलेट करेगा? या तो डी से करेगा या फिर ए से. पढ़ते हैं सी को पहले. तो 8 million tons ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन द वर्ल्ड्स ओशंस एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू फ्रेजाइल इकोसिस्टम. ठीक है, अब देखो आप पढ़ो डी, एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. ए को हमने पढ़ा कि 70%, अब ये कह रहा है कि 8 मिलियंस का 70% सिंक हो जाता है. सी आपका डायरेक्ट रिलेट कर रहा है ए से, तो आंसर हो जाएगा दिस वन. क्लियर हुआ? बी सेंटेंस को तो आपको रीड करने की भी नीड नहीं पड़ी और आपके सामने आंसर आ गया है. और आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप मात्र 5 से 10 सेकेंड में आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो. क्लियर हुआ भाई? अटेम्प्ट करो, बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं. और ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली मैं कोई भी इजी क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूं, एग्जाम में पूछे गए हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे.
फोर्थ आपके सामने है, मुझे फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। एंड से कभी भी सेंटेंस मतलब शुरू नहीं हो सकता, कोई भी पैराग्राफ एंड से शुरू नहीं होगा, और ए से तो वैसे भी ऑप्शंस में नहीं है, या तो बी से शुरू होगा या फिर सी से या फिर डी से। तो मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दो ऑप्शंस आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बी से, तो 90% पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है कि जो सेंटेंस है वो बी से शुरू होगा, 90%। 10% हो सकता है सी या डी से भी शुरू हो जाए, बट 90% है बी से। तो सबसे पहले आप बी को ही रीड करो, क्या इसमें इंट्रोडक्शन है। तो अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरिया, स्कार्स मतलब कमी। तो 4 बिलियन जो लोग है वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे पानी की कमी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ रिलेट करने पे, ए को पढ़ो। एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर क्लोज टू होम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वाटर एड। कह रहा है कि इतने मिलियन, 4 बिलियन तो वहां रहते हैं जहाँ पानी की कमी है, और इतने मिलियन लोगों को तो क्लीन वाटर मतलब घर के पास क्लीन वाटर की एक्सेस ही नहीं है। समझ में आई ये चीज? तो आपका बी जो है वो सीधा सीधा रिलेट कर रहा है ए से। बी अगर ए से रिलेट कर रहा है तो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे बी डायरेक्ट ए से रिलेट कर रहा हो? एक ही ऑप्शन है, आंसर आपके सामने है। समझ में आया? ना हमने सी को रीड किया है, ना हमने डी को रीड किया है, दो सेंटेंसेस को रीड करके आंसर हमें मिल गया है। आपको बस थोड़ा सा रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, बी आपका ए से रिलेट करेगा पायल, थोड़ा सा ध्यान से समझो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, फिफ्थ आपके सामने है, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन और बताओ मुझे। अटेम्प्ट करो और बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, सभी अटेम्प्ट करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर भी डाल देना साथ में ताकि पता लगे। अब देखो, या तो सेंटेंस शुरू होगा ए से या फिर शुरू होगा सी से। रीड करो, मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया। ओके, सी को हमने रीड किया इट। अब इट क्या है आपका? इट प्रोनाउन का यूज हो रहा है, अगर प्रोनाउन है तो उससे पहले कोई ना कोई नाउन तो होगी जिसको ये इट रेफर करे। तो सी से तो सेंटेंस शुरू होने से रहा, तो ये दो ऑप्शन तो पहले से ही बाहर। 100% श्योरिटी है आपको कि सेंटेंस आपका शुरू होने वाला है ए से। समझ में आया? अगर ए से शुरू हो रहा है, अब देखो ए या तो डी से रिलेट करेगा, ए डी से ही रिलेट करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन में डी है। तो देखो 2017 प्रूव टू बी अ गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स, ठीक है, क्लियर है। अब फिर तुम बी को रीड करो, देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स। और सी को हमने रिलेट किया, इट रिजल्टेड इन प्राइस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप। अब तुम एक बात बताओ, अगर बम्पर क्रॉप होगी तो ही तो प्राइस कम होंगे। तो बी आपका रिलेट करेगा सी से, तो ए डी बी सी किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन में है। समझ में आया? बहुत बढ़िया आकाश, वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सी को देखते ही हमने सेंटेंस नहीं पढ़ा पूरा, सिर्फ इट को देख के ये अंदाजा लगा दिया कि प्रोनाउन है तो पहले कोई ना कोई नाउन होगा। तो ग्रामर की बेसिक नॉलेज जरूरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। पैसेज भी हम सॉल्व करेंगे, क्लोज टेस्ट का एक सेशन हमने किया, आज हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट किया, आगे हम पैसेज भी सॉल्व करेंगे, और पैसेज में आपको मेंस के ही कराऊंगी डायरेक्ट। तो फिर आप देखोगे कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग इसको प्रॉब्लमेटिक समझते हो। साउंड नहीं आ रहा है, किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। थोड़ा रीड कर लिया करो।
या तो शुरू होगा बी से या फिर शुरू होगा ए से, इतनी बात है। हाँ जी क्लियर हुआ, या तो बी से शुरू होगा या फिर शुरू होगा ए से। तो देखो ए को रीड करो, अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम, किनका भाई? तो ए से तो शुरू होने से रहा, तो ये दो ऑप्शन तो बाहर, सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है बी से, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये शुरू होगा बी से। क्लियर हुआ? तो देखो, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कार्सिटी। अब ए को तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि 1 बिलियन अगर वाटर की कमी वाले जगहों पे रह रहे हैं, और उनमें से 600 मिलियन, उनमें से 600 मिलियन जहां पे एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस है, तो बी आपका डायरेक्ट रिलेट कर गया है ए से। अगर बी डायरेक्ट ए से रिलेट कर गया तो ये ऑप्शन भी बाहर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन। दो ऑप्शन को हमने टच भी नहीं किया और आपके सामने करेक्ट आंसर आ गया है। दो ऑप्शंस को हमने देखा भी नहीं, रीड भी नहीं किया और आपके सामने करेक्ट आंसर आ चुका है बी ए डी सी। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से सेंटेंसेस के को पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। सेंटेंस मतलब जो पैराग्राफ शुरू होने की पॉसिबिलिटी है, या तो बी से है या फिर ए से है या फिर डी से है, या तो बी से है या फिर ए से है या फिर डी से, और दो ऑप्शंस में बी गिवन है, तो 90% चांस है, 90% की जो शुरुआत है वो बी से होगी। बट कोई नहीं, हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बी को रीड करो, तो ल्यूना न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगिन ऑन 5th फेब्रुअरी, ठीक है। ए को हमने पढ़ा इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट, व्हाट? नहीं पता, तो कोई नाउन होना चाहिए, तो ए से तो शुरू होगा नहीं। डी को रीड करो, सम परफॉर्मेंस रीइनेक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज। हिस्टोरिकल सेरेमनीज कहाँ पे रीइनेक्ट करोगे? इस फेस्टिवल में ना, ठीक है। तो सेंटेंस आपका शुरू, जो पैराग्राफ शुरू होगा वो बी से होगा, ये ऑप्शन भी बाहर हो जाता है। बी डायरेक्ट ए से रिलेट करेगा या फिर डी से रिलेट करेगा, क्लियर है? तो हमने ए को पढ़ा कि इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट, किसको? इस फेस्टिवल को, जो कि 5th फेब को शुरू हुआ है। तो बी आपका डायरेक्ट रिलेट कर गया ए से, करेक्ट आंसर आपके सामने है फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी पायल, सही बताया, बिल्कुल सही है आकाश। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अभी तक, सब में हमने सेम अप्रोच रखा है कि ऑप्शंस को कट करो कि क्या नहीं हो सकता, क्या होगा तो बाद की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे फटाफट से आंसर बताओ और ऐसे क्वेश्चन नंबर साथ में डाल दिया करो। प्लेस पहले नहीं आएगा क्योंकि वहां पे बात हो रही है इट की, अब चाइना की बात नहीं है, सुनो मेरी बात, मेन चाइना नहीं है, मेन वो फेस्टिवल है, पूरा डिस्क्रिप्शन फेस्टिवल के बारे में है, पूरा डिस्क्रिप्शन चाइना के बारे में नहीं है, समझ रहे हो? अगर दिवाली की बात होगी तो पहले आप ये तो बताओगे ना कि कब सेलिब्रेट की जाती है, कहाँ सेलिब्रेट, पूरा दिवाली मेन रहेगी, ना कि इंडिया, समझ रहे हो मेरी बात? 8th क्वेश्चन आपके सामने है, बस ये कुछ कंसेप्शन ही दूर करने हैं। या तो ए से शुरू होगा या सी से या फिर डी से, तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले सी को पढ़ो, द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई, ठीक है। ए को रीड किया इट, ए से तो शुरू होने से रहा, इट इज वन, इट का मतलब व्हाट? ये प्रोनाउन है, इससे पहले कोई तो नाउन हो जिसको ये रेफर करे, तो ए से तो शुरू नहीं होगा। डी को हमने पढ़ा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले आपकी फुल फॉर्म आती है, उसके बाद एब्रिविएशन यूज की जाती है, तो सेंटेंस जो है आपका डी से स्टार्ट होगा, और अगर सेंटेंस डी से स्टार्ट है तो आपके सामने आंसर है, आपको दूसरा कुछ मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, हाँ जी, अरे बहुत हेल्पफुल रहेगा आकाश, ये सीजीएल 18 के प्री के क्वेश्चंस है, और बोलो
सीजीएल 18 का जो प्री हुआ था टीसीएस ने ही कंडक्ट कराया था, उसी के क्वेश्चंस हैं ये। एट्थ का डी आंसर होगा पायल। थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझो। आपको मैंने एक चीज बताई है, पहले फुल फॉर्म आएगी उसके बाद ही तो एब्रीवेशन आएगी, तो सी और डी में कंफ्यूजन है, तो 100% डी से शुरुआत होगी। ए तो रेस से पहले ही बाहर हो गया क्योंकि इट आ चुका है, इट प्रोनाउन से पहले कोई तो नाउन होना चाहिए जिसको ये रेफर करेगा, तो ए तो बाहर। सी और डी में कॉम्पिटिशन था, तो सी में तो यूएसए दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म किस में गिवन है, डी में। समझ में आया? बिल्कुल सही आकाश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आओ, नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे फटाफट से आंसर बता दो। अगेन या तो ए या तो बी या तो डी, इन तीनों में से शुरू होगा, तो बताइए क्या, किससे शुरू होना चाहिए? बताइए किससे शुरू होगा? चलो फटाफट से अटेम्प्ट करो और बताओ मुझे। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, सभी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन और बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए, सभी से करेक्ट आंसर चाहिए। एट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी मुझे सभी का करेक्ट आंसर ही चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया है, देखते हैं आप चेक करेंगे। देखो या तो बी से या फिर ए से या फिर डी से, तो सबसे पहले क्या करो, बी को रीड करो क्योंकि बी दो ऑप्शंस में है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग हैज ग्राउंडेड द एंटायर ग्लोबल फ्लीट ऑफ इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। ठीक है, सब कुछ इसमें नया नया सा है कि भाई इंट्रोडक्शन कोई प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ए को देखो, द मूव फॉलोज लास्ट वीक्स फेटल इथियोपियन एयरलाइन क्रैश। कौन सी मूव? नहीं पता कौन सी मूव, समझ रहे हो, तो ए से तो शुरू होने से रहा। अब बात करते हैं डी की, दैट वॉज, वॉट वॉज दैट, अगेन प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, इससे पहले कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा हो, तो डी भी बाहर, तो बी से ही स्टार्ट होने वाला है सेंटेंस, मतलब जो पैराग्राफ है वो बी से स्टार्ट होगा, इतना तो क्लियर है। अब बी आपका या तो सी से रिलेट करेगा या फिर बी आपका ए से रिलेट करेगा। ए हम पहले रीड कर चुके हैं कि भाई अगर इसने सारी अपनी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है तो ऐसा क्यों किया, भाई लास्ट वीक जो इथियोपियन एयरलाइन का क्रैश हुआ था उसकी वजह से। बी अगर ए से रिलेट कर रहा है डायरेक्ट, तो आंसर आपके सामने है। क्लियर हुआ भाई? तो करेक्ट आंसर था ME आपका। हाँ जी, समझ में आया कि किस तरीके से चीजों को देखना है। इसके बाद देख लो, अगर आपको लगता है कि मैम इतने में नहीं समझ में आया, तो आप डी को रीड करो, जैसे हमने ये ऑप्शन है, आप चेक कर लो कि ए के बाद डी जच रहा है, जच रहा मतलब उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं। दैट वॉज द सेकेंड टाइम इन 5 मंथ्स की ये क्रैश हुआ, पहली बार कहाँ, यहाँ पे, मतलब सेकेंड टाइम, ये चीज, ये कौन सा वाला था, सेकेंड टाइम था। समझ में आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। 10th आपके सामने अब क्वेश्चन है, मुझे 10th का आंसर बताओ। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो साथ साथ में। तो देखो या तो बी से या फिर डी से या फिर ए से, इन्हीं में तीन पॉसिबिलिटी है, सी से तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले हम बी को रीड करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सारा इंट्रोडक्शन है। ए से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इट प्रोनाउन का यूज आ चुका है।
डी से भी नहीं होगा, अगेन इट का यूज आ चुका है, तो आपको पता है बी से स्टार्ट होने वाला है सेंटेंस। अब बी या तो आपका ए से रिलेट कर सकता है या फिर सी से रिलेट कर सकता है। तो देखो, इट हैज बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल गुड्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूएसए की बात हो रही है ना, समझ लो ये चीज को। यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी, यूएसए की हो रही है। क्यों वो डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करता है, क्योंकि दोनों ही जगह पे वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो बी आपका अगर डायरेक्ट ए से रिलेट करेगा तो आंसर आपके सामने है। क्लियर हुआ भाई? अगर बी डायरेक्ट आपका ए से रिलेट करेगा तो आंसर आपके सामने है। बहुत बढ़िया आकाश, वेरी गुड पायल। हाँ जी करेक्ट है अनुराग, वेरी गुड। हाँ जी एमी, बिल्कुल सही, बहुत करेक्ट है अभिलाषा, वेरी गुड। आगे बढ़ो, 11th क्वेश्चन। अब मुझे सबका करेक्ट आंसर चाहिए इसमें। एक चीज और, कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर आपको लगता है कि इसमें डिफिकल्टी है या आप चाहते हो कि मैं वो टॉपिक कराऊं, तो ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, टिपिकल है, जैसे हमने कल पोजेसिव केस ऑफ नाउन किया था, तो ग्रामर का, वोकैब का, कोई भी चीज आपको लगे कि सॉल्व कराई जानी चाहिए। 11th क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, या तो ए से शुरू हो सकता है या फिर सी से शुरू हो सकता है। क्लियर हुआ? दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन? ठीक है, देखते हैं। फिर हमने सी को रीड किया, द सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। ए से भी पॉसिबिलिटी है एंड सी से भी पॉसिबिलिटी है, आप दोनों में से किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, तो हम आराम से पूरा सॉल्व करेंगे, एक एक चीज रिलेट करके चलेंगे। अब आपने बी को पढ़ा, एंगर एंड टेंशन आर प्रेवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस। कौन से डिफरेंसेस? ये इन्होंने जहां पे ये बताया है कि जो लोग हैं वो सोचते अलग है, काम अलग करते हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से एंगर एंड टेंशन जनरेट होती है। तो सी आपका सीधा सीधा बी से रिलेट कर रहा है। क्लियर हुआ? सी अगर बी से रिलेट कर रहा है तो कितने ऑप्शंस है जिसमें सी के तुरंत बाद बी है? ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर, आपके सामने दो ऑप्शन निकल के सामने आए हैं। चलो आगे देखते हैं कि ए किससे रिलेट करेगा। What can we do to avoid anger and provocation? We need to develop in ourselves the capacity for conversion to turn negative experiences into positive thinking. ये इसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि एंगर और प्रोवोकेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं भाई, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को आप पॉजिटिव में टर्न कर दो। ये चीज तो हमारे हाथ में है। तो ए ने रिलेट किया डी से, तो ए डी से रिलेट कितने ऑप्शंस में कर रहा है, ये दोनों कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? डी ऑप्शन में। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जया, वेरी गुड अभिलाषा। हाँ जी पायल, सही बताया है। क्लियर हुआ भाई? हाँ जी जया, सी बी ए डी हो जाएगा आंसर। एक-एक चीज जहां पे हमको एक सेंटेंस पढ़ के आंसर मिला है, हमने वो क्वेश्चन भी किए हैं। जहां पे चारों सेंटेंसेस पढ़ने पड़े, वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। चलो 12th क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे फटाफट से आंसर बता दीजिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी थी, उसी पे बेस्ड हमारा ये थ्योरी थी, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। या तो ए से शुरू है या तो बी से शुरू है, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, सी और डी से शुरू नहीं है। रीड करेंगे दोनों सेंटेंसेस को। देखो, ओनली द फिटेस्ट क्रीचर्स कैन सर्वाइव वाइल कम्पीटिंग फॉर फूड। ठीक है, बी को हमने रीड किया, व्हाई डू सम स्पीशीज सर्वाइव एंड अदर्स बिकम एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, बट अगेन हम दोनों में से किसी भी पार्ट को जो है इग्नोर करके नहीं चल सकते, ए से भी बी से भी। अब हम इंडिविजुअली रिलेट करेंगे। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? डार्विन ने खुद से पूछा कि क्यों कुछ स्पीशीज सरवाइव कर जाती हैं और बाकी एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो जो बी है, बी ने डायरेक्ट रिलेट किया डी से, बी ने डायरेक्ट रिलेट किया की से, डी से कितने ऑप्शंस में रिलेट कर रहा है? दो ही ऑप्शंस में, या तो ये या तो ये। आगे बढ़ते हैं।
His answer was that there is ceaseless struggle for life among all creatures. अब क्वेश्चन करने के बाद ही तो वो पर्सन आंसर करेगा, तो यहाँ पे सी, और ये उसका करेक्ट आंसर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 12th का आंसर है बी, बी डी सी, ये करेक्ट है। अनुराग, वेरी गुड अनमोल, बहुत बढ़िया। आकाश, हाँ जी एमी, एमी एक सेकेंड, आंसर बी डी ए सी होगा, ए डी वाला नहीं होगा। ओके, अभिलाषा करेक्ट है। हाँ जी जया, समझ में आ रहा है? अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं कि डिफिकल्ट लग रहे हैं? और ये इजी वाले क्वेश्चंस अगर आपको मैम इजी लग रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, 18 के प्री में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा भी नहीं है कि रैंडम कहीं से उठा लिए, सीजीएल 18 प्री में जो जून में कंडक्ट हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो लेवल क्वेश्चंस का नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन का होता है, यानी आपने अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 13th आपके सामने है, मुझे फटाफट से आंसर बता दो। थैंक यू आदित्य, आप सभी को सेम चीज मैं बोलूंगी बार बार कि कोई भी टॉपिक आपको लगता है, पूरी ग्रामर पूरी वोकैब में से कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मैम इस टॉपिक में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, अपकमिंग सेशंस में वो डाउट्स को लिया जाएगा। जैसे आपका डेली डेली क्लास ही होती है, 8:15 का टाइम फिक्स है, बट कल हमारी क्लास है 7:15 बजे जिसमें हम वॉइस करने वाले हैं, प्री और मेन्स सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सभी में इंपॉर्टेंट है। चलो 13 देखते हैं, या तो ए से शुरू होगा या फिर डी से, दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे सामने, तीसरा तो कोई केस नहीं है। ए को देखो, इट वॉज वेरी अनयूजुअल एज बॉयज वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ स्कूल एट दिस लेट आवर, वॉट वॉज वेरी अनयूजुअल, मुझे ये बताओ कि क्या अजीब था। तो ए से तो शुरू होने से रहा, क्लियरली सेंटेंस जो है वो शुरुआत, मतलब उसकी पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है डी से। तो देखो डी को हमने रीड किया, मिस्टर ऑलिवर द स्कूल टीचर सॉ अ लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक वीपिंग साउंडलेसली। अब ये चीज क्या थी, अनयूजुअल थी कि नहीं थी? हम ए को रीड कर चुके हैं, ठीक है, तो आपकी जो अनयूजुअल चीज थी वो यही थी, डी आपका डायरेक्ट रिलेट कर रहा है ए से, तो बी और सी को देखने की भी नीड नहीं पड़ी, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया, डी ए बी सी। बहुत बढ़िया अनमोल, करेक्ट है सिल्वर, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट आदित्य, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी समझ में आया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ए सी बी, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट जया, अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करना। एक चीज एग्जाम अटेम्प्ट करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, आपने जो पढ़ा है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर दो, मेन ये फोकस रखना चाहिए कि भाई जो चीज हम पढ़ चुके हैं वो गलत ना हो। अगर कोई चीज ऐसी आ जाए कि आपको नहीं आती, अब ऑब्वियसली आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने एक बारी नजर से सारी चीजें निकाली होंगी, फिर भी अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है कि आपको नहीं आ रही, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ आपको नहीं आ रही, वो चीज अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर वो सभी के लिए नहीं होगी। जैसे जो सीजीएल का मेंस का एग्जाम था वो कैलकुलेटिव था, वो कैलकुलेटिव 1% के लिए थोड़ी ना था, वो सभी के लिए कैलकुलेटिव था। तो बिल्कुल भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त निराश या हताश होने की जरूरत नहीं होती है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 14th देखो, या तो आपका सेंटेंस ए से या फिर सी से या फिर बी से, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है जहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा। तो देखो मुझे आप लोग बताइए कि किस से, कहां से सेंटेंस शुरू होने वाला है।
चलो अटेम्प्ट कर लिया होगा सभी ने, सॉल्व करते हैं। देखो ओके ठीक है, या तो आपका ए से या फिर सी से या फिर बी से जो है सेंटेंस शुरू होने वाला है। हम ए को रीड करते हैं। द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप सेंडिंग मैसेजेस फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली। ठीक है ओके। हाउएवर बी से तो शुरुआत होगी नहीं, हाउएवर से कभी भी सेंटेंस की जो है शुरुआत नहीं हो सकती है, तो बी तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं सी की। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग। इंट्रोडक्शन यहाँ पे, अब ये जो स्लीप के दौरान भी ब्रेन एक्टिव रहता है ये चीज तो बाद की बात है, पहले तो इसने यही बताया है कि हम जो 1/3 टाइम अपना सोने में बिता देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपका सेंटेंस जो है वो शुरू होगा सी से। तो ये दो ऑप्शन ही आंसर हो सकते हैं, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो सी या तो अब ए से रिलेट करेगा या फिर सी आपका बी से रिलेट करेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ जी समझ में आया, तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। बी को रीड करो। हाउएवर द बॉडी यूटिलाइजेस द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, कि देखो 1/3 हम स्लीप सोने में यूज करते हैं लेकिन उसको भी बॉडी अच्छे से यूटिलाइज करती है। तो सी अगर डायरेक्ट बी से रिलेट कर रहा है तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ भाई? सी बी डी ए, सी बी डी ए, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 15th देखो, 15th का आंसर बताइए, 15th का आंसर बताओ। फिफ्टींथ का फटाफट से मुझे आंसर बताओ। दो क्लासेस हैं जिसमें कंप्लीट हो जाता है, और अगर आपको एक ही क्लास में पूरा देखना है फिर प्रतियोगिता मंत्रा चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें एक ही वीडियो में सारे रूल्स हैं। अगर आप इसी चैनल पे देखोगे तो आपको दो क्लासेस मिल जाएंगी। चलो 15 देखते हैं। या तो सेंटेंस शुरू होगा बी से या फिर सी से या फिर डी से। बी सी और डी तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने। ए से तो शुरू होगा नहीं। दूसरी बात ये कि ए जो है शुरू हो रहा है बट से, तो बट से तो वैसे भी कोई पैराग्राफ शुरू नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो मैंने आपको एक चीज और सिखाई है, पहले रीड करते हैं ऑप्शंस फिर देखेंगे। द नेशनलिस्ट नाउ बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। नाउ अब उन्होंने शुरू कर दिया है, पहले नहीं किया था, समझ रहे हो ना? नाउ पे ही फोकस गया कि अब शुरू कर दिया है, तो बी से तो जो है शुरुआत नहीं हो सकती है। बात करते हैं सी की। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन को चेंज किया है ये हमें नहीं पता, तो सी से भी शुरू नहीं हो सकती है। और ये चीज मैंने आपको पहले ही सिखाई थी कि अगर एक ही ऑप्शन से, मतलब एक ही जैसे डी से ही अगर दो ऑप्शन है तो 90% चांस है शुरुआत डी से ही हो। तो डी को हमने रीड किया। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मेनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उस टाइम पे तो फियर में रहते थे और बहुत सारे डिसीजन जो थे उसे अग्री नहीं करते थे। क्लियर हुआ? अब डी आपका रिलेट किससे करेगा, या तो ए से कर सकता है या फिर बी से कर सकता है। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। ठीक है, तो सी आपका रिलेट कर रहा है ना, सॉरी डी आपका रिलेट कर रहा है ए से, कैसे कि वो एग्री तो नहीं करते थे लेकिन क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज किया तो उनको ग्रेव डेंजर का, मतलब ग्रेव डेंजर फेस करना पड़ता था। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है डी ए सी बी। क्लियर हुआ भाई? डी ए सी बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी जया करेक्ट है, अभिलाषा डी ए बी सी होगा। ओके 13th रिपीट कर दूंगी।
चलो क्लियर हुआ। 13th एक बार ही देख लेते हैं। देखो या तो आपका सेंटेंस ए से शुरू हो सकता है या फिर डी से। ए से नहीं होगा क्योंकि इट की बात हो रही है, ठीक है? तो सेंटेंस जो है वो शुरू तो होगा डी से, इतनी तो चीज क्लियर है। अब डी से, डी या तो ए से रिलेट करेगा या फिर डी रिलेट करेगा बी से। तो डी को हमने पढ़ा, मिस्टर ऑलिवर द स्कूल टीचर सॉ अ लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक वीपिंग साउंडलेसली। इट वाज वेरी अनयूजुअल एज बॉयज वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ स्कूल एट दिस लेट आवर। तो कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने जब एक बच्चे को अकेले रोते हुए देखा तो वो चीज अनयूजुअल थी। क्यों? क्योंकि बॉयज को तो लेट अलाउड ही नहीं है बाहर। तो जो डी है वो आपका सीधा सीधा रिलेट कर गया है ए से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ए सी बी। समझ में आया? डी बी से रिलेट नहीं करेगा। अब बी को तुम रीड कर लो। ही मूव्ड क्लोजर टू द बॉय इन एंगर सो दैट ही कुड रिकॉग्नाइज द मिसक्रिएंट एंड पनिश हिम। कब कब क्लोज मूव करेंगे? जब वो देखेंगे फिर उनको ये चीज लगेगा कि अलाउड ही नहीं है, उसके बाद ही तो क्लोज मूव करेंगे। समझ में आया भाई? तो ये आपके क्वेश्चंस थे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगेन आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको लगे कि मुझे कराना चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। कल आपका सेशन है 7:15 बजे, ठीक है? हाँ जी, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी लगे पोस्ट कर देना। अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं तो देखो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे एक ही प्लान में। मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे आपको बाय द टॉप एजुकेटर्स, ठीक है? इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन भी वहां पे होंगे। 1 ईयर का प्लान लेते हो तो पड़ जाएगा करीब 4800 का, 6 मंथ्स का पड़ जाएगा करीब 3800 का। इस प्राइस पे प्लान परचेज करना है तो आपको डिस्काउंट कोड की यूज करना होगा प्रतियोगिता मंत्रा। क्या करो, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो। यहाँ जहाँ डिस्काउंट कोड लगा, जहाँ रेफरल कोड लगाते हैं यहाँ लगाओ डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा, ठीक है? और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कोई भी प्लान परचेज करना हो तो आपको सेम डिस्काउंट कोड का यूज करना है। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा। एक तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव तीनों प्रिपेयर हो जाएंगे एक ही जगह पे, मॉक टेस्ट एक ही जगह पे, कंटेंट सब चीजें आपको एक ही जगह पे अवेलेबल है। कोड का ध्यान रखना, प्रतियोगिता मंत्र आपको विदाउट स्पेस अप्लाई करना है, कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू, ठीक है? चलो मिलते हैं कल के सेशन में। सब लोग 7:15 बजे आ जाना। वॉइसेस को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो मिलते हैं कल के क्लास में। टेक केयर, गुड नाइट। हाँ जी, वर्ब के क्वेश्चंस ठीक है? देखो इस लाइव कमेंट्स तो बाद में विजिबल अच्छे से होते नहीं है, तो आप एक काम करो, जो कमेंट सेक्शन होगा ना अभी मेरे ख्याल अप्रोक्स 1 आवर के बाद जो है ये वीडियो नॉर्मली विजिबल होने लग जाएगी, उसमें आपको कमेंट सेक्शन में एक बार पोस्ट कर देना ताकि ध्यान रहे। थैंक यू अभिलाषा। चलो पढ़ के आना, सारे रिवाइज करके आना, अपनी तरफ से वॉइसेस एक बार रीड कराना ताकि कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे सेशन में पूछ सको। टेक केयर।